हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको मैं आज के क्लास में बताया था सुबह में कि आज शाम को मैं लाइव आने वाला हूं, तो मैं अपने उस बात को पूरा करते हुए आपके सामने हाजिर हूं। आपके दोनों बुक्स हॉर्नबिल और स्नैपशॉट को लेकर, ठीक है? तो आइए अपने इस क्लास, लाइव क्लास की शुरुआत करते हैं। हम सभी का इस लाइव क्लास में स्वागत करते हैं और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को आप सूचित कर दें कि सर का लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। और आज के इस सेशन में हम पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा भरपूर कोशिश रहेगा कि जो आपके सामने ये दोनों बुक दिखाई दे रहे हैं इनको तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। देखिए, कम समय में अधिक काम करना होता है तो स्मार्ट तरीके से करना पड़ता है, तो हम लोग तरीका को थोड़ा बदल के इस चैप्टर को समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में अधिक से अधिक बातें आप तक पहुँचाऊँ और आपके एग्जाम के व्यू से इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको ये नहीं फोकस करके चलना है कि पूरा हमको स्टोरी याद करना है, बल्कि आपको मेन पॉइंट्स फोकस करना है, तो आप लोग इसका ख्याल रखिए कि जो इसके मेन पॉइंट्स हैं हम उसी पर फोकस करें और जो भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड मैं उस पर बात करूँगा। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ही बोलिए। और इसी तरह से मैं जब जब ज़रूरत पड़ेगा 12th क्लास में भी तो मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँगा, क्योंकि आपकी सुविधा, आपका अच्छा रिजल्ट, आपकी खुशी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही मेरा एम है और मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों का यही एम होना भी चाहिए। सबसे पहले मैं हॉर्नबिल की बात कर रहा हूँ। शायद मैं गलती से अपना टाइटल जो आप इसका थंबनेल में लगाया हूँ उसमें बुक का नाम शायद मैं 12th का डाल दिया हूँ। मेरे माइंड में जल्दबाजी में मैं अपना थंबनेल अभी तैयार कर रहा था तो डाल दिया हूँ, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इट वाज माय मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट इट। चलिए, उसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा। ठीक है, आइए दोस्तों। तो हॉर्नबिल हमारा ये बुक है, 11th क्लास का फर्स्ट बुक है और इधर सेकेंड बुक है। सबसे पहले हम सेकेंड बुक, फर्स्ट बुक पर बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए और शुरू करते हैं। देखिए, सबसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, आप लोग कमेंट करने पर कम ध्यान दीजिए। यादव चंदन जियो, आप क्लास नहीं आ रहे हैं यादव जी, क्लास आइए। जितने भी लोग क्लास नहीं आ पा रहे हैं आइए, बैठ के सामने क्लास में जो बात हम समझा सकते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आज के हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं, अब वही बच्चा फिर से इसको ऑनलाइन में भी देख लेगा तो उसको डबल समझ में आए, ज़्यादा बढ़िया समझ में आए। ठीक है, देखिए, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हमारा चैप्टर है। पोर्ट्रेट माने तस्वीर होता है और लेडी मतलब होता है एक महिला। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। खुशवंत सिंह अपने दादी माँ के साथ अपने बचपन में रहते थे और कैसे अपना बचपन अपने दादी माँ के साथ बिताए हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए, आपके एग्जाम में इस तरह सवाल पूछा जाएगा कि जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है उसके राइटर कौन है, तो खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के राइटर कौन है, खुशवंत सिंह। बताइए, खुशवंत सिंह के दादाजी जो उनके ग्रैंडफादर थे, हमने हाईलाइट भी कर रखा है ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ठीक है, आप प्लीज कमेंट करने पर ध्यान मत दीजिएगा, आप चुपचाप देखिए ध्यान से। आपसे पूछेगा कि दादाजी का जो पोर्ट्रेट था यानी दादाजी का जो फोटो था वो कहाँ लगाया गया था, तो मेंटल पीस के सामने लगाया गया था, मेंटल पीस के पास ऊपर। मेंटल पीस माने अंगूठी होता है जहाँ पर आग जलाया जाता है। बड़ा सा टर्बन यानी बड़ा सा पगड़ी और लूज फिटिंग क्लोथ कौन पहनता था, तो दादाजी पहनते थे, ग्रैंडफादर पहनते थे। आपसे पूछे कौन व्यक्ति है जो व्हाइट बियर्ड यानी कि लंबा सा दाढ़ी था, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा छाती ढक जाता था दाढ़ी से,
तो जाहिर सी बात है दादी माँ तो नहीं हो सकती है, ग्रैंडफादर होंगे। कौन व्यक्ति है जो 100 साल के बूढ़े लगते थे? ग्रैंडफादर। इससे 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दादाजी से। पहला, लूज फिटिंग क्लोथ पहनते थे, 100 साल के बूढ़े लगते थे और बड़ा सा पगड़ी पहनते थे और लूज और बड़ा सा दाढ़ी उनके पास था। उनको देखने के बाद ऐसा लगता था कि इनका कोई बाल बच्चा जन्म नहीं लिया होगा, डायरेक्ट ग्रैंड चिल्ड्रन यानी नातिये पोता जन्म लिया होगा। ठीक है, अब दूसरा है कि दादी माँ खुशवंत सिंह को जो कहानी सुनाती थी वो कैसी कहानी सुनाती थी? खुशवंत सिंह को लगता था कि ये साधु महात्मा की कहानी हमें दादी माँ सुना रही है। दादी माँ कैसी दिखती थी? तो शॉर्ट यानी कि छोटी सी, फैट यानी मोटी सी और स्लाइटली बेंट, हल्का झुक के चलती थी। एग्जाम में आ सकता है कि हु वाज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट, तो दादी माँ थी, जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, रिंकल्स, फुल ऑफ रिंकल्स रनिंग एवरीवेयर। अब यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, दादी माँ हमेशा माला जपते रहती थी, तो बीट्स ऑफ रोसरी, हमेशा माला जपते रहती थी। ठीक है, उसके बाद हमेशा दादी माँ इनऑडिबल प्रेयर बोलती थी, हमेशा दादी माँ ऐसा न सुनाई देने वाला प्रार्थना बोलती थी जो जल्दी सुनाई न दे। दादी माँ के साथ खुशवंत सिंह रहते थे, जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेखक के माता पिता सिटी यानी शहर में रहते थे, पेरेंट्स कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। ये सब याद रखिएगा, सब MCQ हम बता रहे हैं, इससे हट के MCQ नहीं पूछेगा, याद रखना जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दादी माँ जब लेखक को तैयार करती थी तो उनके कंधे पर चौक, दवात, अर्थन इंकपॉट, पेन, रेड पेन और बहुत सारा चीज़ लाद करके दे देती थी। बासी रोटी खाने के लिए देती थी, इसको हम लोग इंग्लिश में स्टील चपाती कहते हैं, स्टील चपाती, बासी रोटी देती थी। उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देती थी और थोड़ा सा शुगर लगा के देती थी। ठीक है, दादी माँ भी स्कूल जाती थी, रास्ते में उन्हें विलेज डॉग्स मिलते थे जब वापस आते थे, जिन्हें बासी रोटी दादी माँ देती थी, स्टील चपाती देती थी। स्कूल किससे जुड़ा हुआ था? टेम्पल से। तो स्कूल वाज अटैच्ड विथ टेम्पल, ये MCQ यहाँ से बनेगा कि टेम्पल से क्या जुड़ा हुआ था, तो स्कूल, स्कूल से क्या था? टेम्पल। आगे लिखा है दादी माँ मंदिर में जाकर क्या पढ़ती थी? स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। ठीक है, आगे लिखा है कि दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच का फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट कब हुआ, माने अलग अलग कब हो गए? जब वे शहर गए रहने के लिए, ठीक है, अपने पापा के पास। दादी माँ अब लेखक के साथ स्कूल क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वो मोटर बस से जाते हैं, ठीक है, और शहर के स्कूल में पढ़ते हैं। दादी माँ अब उनका होमवर्क सोल्व करने में मदद नहीं कर पाती है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, मोटर बस से जाती है, इससे पूछा हुआ सवाल है, मोटर बस से जाती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। आगे लिखा है कि दादी माँ क्या चाहती है, लेखक को क्या पढ़ाया जाए? गॉड और धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाए, लेकिन लेखक को वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? आर्कमिडीज प्रिंसिपल, ग्रेविटी, न्यूटन्स प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, दादी माँ को पसंद नहीं है। जब लेखक दादी माँ को कहती है कि हम लोग को म्यूजिक और डांस सिखाया जाएगा, तो दादी माँ अपसेट हो जाती है क्योंकि उनके अनुसार हैरलोट और बेगर्स यानी कि भिखारियों के लिए म्यूजिक और डांस होता था। दादी माँ नहीं चाहती थी कि मेरी नाती को कोई ये सब सिखाए, म्यूजिक डांस सिखाए। ठीक है, दादी माँ गौरैया को दाना खिलाती थी, आंगन में बैठते थे, फीड मने खिलाना होता है, स्पैरो मतलब गौरैया होता है, ठीक है, और कॉर्ट यार्ड मतलब आंगन में गौरैया आते थे। आगे लिखा है कि लेखक आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? एब्रॉयड, एब्रॉयड मतलब विदेश। लेखक आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं? एब्रॉयड जाते हैं, फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन लेखक को भरोसा नहीं था कि मेरी दादी माँ जिंदा रहेगी क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, फिजिकल लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट है हमारे बीच में। 5 साल के लिए गए हैं, कितना साल के लिए पढ़ाई करने के लिए गए हैं? 5 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए गए हैं। जब लेखक वापस आते हैं, दादी माँ जिंदा रहती है, वो ड्रम बजाती है, डिलेपिडेटेड ड्रम मतलब जर्जर ढोलक बजाती है। जब गौरैया को दाना खिलाया जाता है, दादी माँ जब मर जाती है तो गौरैया को जब दाना खिलाया जाता है तो सभी गौरैया, कोई भी गौरैया दाना नहीं खाती है, रोटी का टुकड़ा नहीं खाती है और शांतिपूर्वक उड़ के चली जाती है। दूसरा नंबर हमारा चैप्टर है ए फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ चैप्टर के राइटर हैं शर्ली टॉल्सन, फोटोग्राफ चैप्टर के राइटर हैं शर्ली टॉल्सन। इसमें लेखिका यही बताती है शर्ली टॉल्सन कि अपने माँ के फोटो को देख करके शर्ली टॉल्सन कैसा महसूस करती है। इस फोटोग्राफ में लेखिका की माँ और उसकी 2 चचेरी बहनों का फोटो है जो समुद्र के किनारे उनके द्वारा खिंचाया गया है, जब लेखिका का जन्म भी नहीं हुआ था तब उनकी माँ का ये फोटो है। और एक बेटी अपने माँ को फोटो को देख करके
क्या महसूस कर रही है, इसी पोएम में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड पर देखने के बाद मुझे पता चला कि चीज़ें पहले कैसी थी, मेरी माँ पहले कैसी थी। वेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहनें पानी में छप छप करते हुए आगे जा रहे हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों लड़कियाँ मेरी माँ के हाथों को पकड़ी है। कौन दोनों लड़कियाँ? लेखिका की माँ की दो बहनें हैं जो समुद्र किनारे छुट्टियाँ मनाने के लिए गई हैं। एंड सी द बिग गर्ल, देखो बड़ी लड़की को, सम 12 ईयर्स ओल्ड, लगभग 12 साल की लड़की है जो लेखिका की माँ है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल स्माइल थ्रू देयर हेयर, तीनों लड़कियाँ अपने बालों के पीछे से मुस्कुरा रही हैं। द अंकल विद द कैमरा, और इस फोटो को किसने खींचा है? अंकल ने खींचा है। स्वीट फेस, बड़ा अच्छा चेहरा आया है। माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरी माँ का ये तब का फोटो है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है, माँ का उम्र 12 साल का है तो जन्म भी उनका नहीं हुआ होगा, शादी भी नहीं हुआ होगा लेखिका का। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वॉज देयर टेरिबल ट्रांसिएंट फेस्ट, समुद्र को यहाँ परिवर्तनहीन माना गया है लेकिन माँ को परिवर्तनशील माना गया है। सम 20-30 ईयर्स लेटर सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, जब 20 या 30 साल के बाद जब मेरी माँ उस फोटो को देखती है और बोलती है सी बेटी एंड डॉली, देखो देखो बेटी और डॉली को देखो कैसी लग रही है। सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो वे लोग कैसे मुझे ड्रेस पहनाए हैं समुद्र के किनारे जाने के लिए। वे लोग समुद्र किनारे हॉलीडे यानी छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हैं। वाज हर पास्ट माइंड इन हर लाफ्टर बोथ रे विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, लेकिन लेखिका का माँ जो इतना कीमती थी लेखिका के लिए, उनका लॉस हो चुका है, उनकी हंसी भी गायब हो चुकी है। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड एंड दिस सर्कमस्टांसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, साइलेंस साइलेंस। लेकिन लेखिका अभी कुछ नहीं कहना चाहती है, ठीक है, लेखिका अभी कुछ नहीं कहना चाहती है क्योंकि अपनी, देखो अपनी माँ को देख कर कोई भी बेटी, खासकर जब उसकी माँ मर गई हो, उसकी माँ का मरे हुए लगभग 12 साल हो गया, यानी कि जितना सारी लड़की जी है, देखिए ऊपर लेखिका का माँ को उम्र बताया गया है कि कितना साल जिंदगी जी है, और नीचे ये दिखाया गया है कि जितना सारी लड़की जिंदगी जी है उतना ही साल लेखिका का मरा हुआ हो गया। मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, यानी कि लेखिका का माँ का मरे हुए लगभग 12 साल हो गया। बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। लेखिका इन सभी चीज़ों को याद करके कुछ नहीं बोलना चाहती है, थोड़ा इमोशनल फील करती है और शांत रहना चाहती है, साइलेंस साइलेंसेस, चुप हो जाना चाहती है। इससे तुमसे एमसीक्यू क्या पूछेगा सुनो। फोटोग्राफ का राइटर कौन है? शर्ली टोल्सन। फोटो कहाँ बनाया गया है? कार्डबोर्ड पर बनाया गया है। लेखिका की माँ का उम्र कितना है? 12 साल। लेखिका का जन्म हुआ था? नहीं हुआ था। लेखिका की माँ का हाथ कौन पकड़ी है? उनकी दो चचेरी बहनें। दोनों चचेरी बहनें का क्या नाम है? बेटी एंड डॉली, ठीक है। लेखिका का माँ उस फोटो कितना दिन के बाद देख रही है? 20 या 30 साल के बाद। फोटो खींचने वाला व्यक्ति कौन है? तो अंकल, अंकल ने फोटो खींचा है। उन लोग कहाँ गए हैं? समुद्र किनारे छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हैं, सी हॉलीडे के लिए गए हैं, ठीक है, समुद्र किनारे छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हैं, ठीक है। किसका अंत हो गया? माँ का अंत हो गया। किसका अंत नहीं हुआ? तो समुद्र का अंत नहीं हुआ। अगला हमारा चैप्टर है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, हम लोग मरने से नहीं डरते अगर हम लोग सभी साथ में रहें तो। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट नाम के लेखक ने इसको लिखा है। इस चैप्टर का सारा एमसीक्यू जानते हैं, इतने में है मैक्सिमम एमसीक्यू, इतना में आपका कंप्लीट है। जो स्मार्ट बच्चा है इतना दूर में अगर एमसीक्यू कंप्लीट कर लेगा तो इसका 80% चांस है कि इसी से आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा, और इसी पर भी हम लोग बात करेंगे। कहानी देखो ये है कि एक 37 वर्ष का व्यक्ति पूरे वर्ल्ड की यात्रा करने के लिए समुद्री माध्यम से निकला है अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ। उसके साथ दो क्रू मैन भी हैं, नाविक भी हैं जो नाव चलाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका जो यात्रा होता है बीच में ही रुक जाता है एक तूफान के कारण। तूफान के कारण उनका पूरा नाव जो है चपेट में आ जाता है, टूट जाता है, ठीक है, कैपसाइजिंग करता है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है नाव में। तो कैसे स्ट्रगल करके एक 37 वर्षीय बाप अपने पूरे परिवार को बचाता है और एली एमस्टरडम नाम के एक टापू पर जो कि 65 किलोमीटर का होता है, फ्रांस के कब्जे में होता है, वहाँ तक पहुँचाता है सफलतापूर्वक, ये इसमें बताया गया है। इसमें हम ये भी सीखते हैं कि कैसे कठिन परिस्थिति में इंसान को धैर्यपूर्वक निर्णय लेना चाहिए, और एक बच्चा जो कि मात्र 6 साल का है वो कैसे अपने बाप को मोटिवेट करता है कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं अगर हम लोग सभी साथ में मिलकर काम करें तो, और कैसे एक 7 साल की लड़की जिसका 6 टाँका 60 टाँका लगता है
फिर भी वो अपने बाप को डिस्टर्ब नहीं करती है बार बार उस दर्द को दिखा करके। और अंत में जब उन लोग सक्सेसफुली टापू पर पहुंच जाते हैं अपने दुर्घटनाग्रस्त नाव को लेकर के, तब ये सब बात लेखक बताता है और हम सभी को सिखाता है कि जब कभी भी हम लोग ऐसी परिस्थिति में फंसे लाइफ में, तो धैर्यपूर्वक निर्णय लेना चाहिए और शांत दिमाग करके पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्ट्रगल करना चाहिए, हम उससे निकल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ा कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं अगर हम लोग सभी साथ में रहें तो। ये बात 6 साल का एक लड़का है जोनाथन, जो कि 37 वर्षीय बिजनेसमैन का बेटा है, वो बोलता है। देखो कहानी यही है ना कि जुलाई 1976 ईस्वी में एक बिजनेसमैन है जो कि 37 वर्ष का, अपनी पत्नी मैरी, उसका बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का है, जो बेटी सुजैन जो कि 7 साल की है, पूरे वर्ल्ड की यात्रा करने के लिए निकला है। इस यात्रा की शुरुआत उन लोग पॉलीमाउथ इंग्लैंड से किया है, ये सब MCQ है। पॉलीमाउथ इंग्लैंड से यात्रा की शुरुआत किया है, ठीक वैसे ही यात्रा करना चाहता है जैसे आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक नाम का एक व्यक्ति किया था। उस बिजनेसमैन का उम्र कितना है? 37 वर्ष बिजनेसमैन है। एक नाव से उन लोग इस यात्रा को कर रहा है जिस नाव का नाम है वेभवाकर। पिछला साल यही सवाल पूछा है, वेभवाकर नाव का नाम है जो कि 23 मीटर लंबा और 30 टन का है। ठीक है, लकड़ी का है, बहुत सुंदर नाव है। ठीक है, उस यात्रा की शुरुआत उन लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से करता है। दो और लोग हैं उस यात्रा में, लैरी विजिल और हर्ब सिग्लर, स्विस यानी स्वीडन का है और अमेरिकन क्रूमैन है, यानी कि लैरी विजिल है ये। इन लोग को रखा गया है इंडियन ओशियन में उठने वाले बड़े बड़े लहरों को टैकल करने के लिए, उस लहरों से पार होने के लिए। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उसकी पत्नी का क्या नाम है, तो मैरी। कहाँ से यात्रा शुरू किया? पॉलीमाउथ इंग्लैंड से। बेटा का क्या नाम है? जोनाथन। बेटी का क्या नाम है? सुजैन। पत्नी का नाम है मैरी। कितने वर्ष का है? 37 वर्ष का। कितना साल से यह यात्रा की शुरुआत कर रहा है? 16 साल से। किसके तरह फोटोकॉपी करना चाहता है? कैप्टन जेम्स की तरह। कैप्टन जेम्स को कितना साल पहले यात्रा किया है? 200 साल पहले। नाव का नाम क्या है? वेभवाकर। कितना मीटर लंबा है? 23 मीटर। कितना टन का है? 30 टन का है। यही तो है हर्ब सिग्लर, लैरी विजिल, दोनों नाविक। उन लोग का नाव एक 15 मीटर ऊंचे लहरे से टकरा जाता है और टूट जाता है। ठीक है, लेखक को भी बहुत चोट लगता है, जो हमारा 37 वर्षीय नरेटर है उसको भी चोट लगता है। कहता है उसका रिब टूट जाता है, उसका माउथ खून से भर जाता है और उसका टीथ यानी कि दांत भी टूट जाता है। उसकी पत्नी भी नाव के दूसरे छोर पर फेंका जाती है। लिखा है कि कहती है कि वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग का डेक जो है स्मैश टूट गया है, वाटर भर रहा है, बचाओ बचाओ, उसकी पत्नी बोलती है। सुजैन नाम की जो लड़की है उसका बहुत बड़ा टीलका, जिसको टीला बोलते हैं ना, टीलका माथा पर उठ गया है, बहुत जोर से उसको चोट लगा है। जब लेखक इस दुर्घटना के बारे में अपने स्थानीय या नज़दीकी गवर्नमेंट सरकार को सूचित करना चाहता है या नाविकों को सूचित करना चाहता है, इसको मेडे कॉल कहते हैं। जब आदमी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में होता है तो मेडे कॉल करता है, जिसको हम लोग, जिससे पता चल जाता है कोई जहाज दुर्घटना में है, लेकिन उसका मेडे कॉल पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो लोग बहुत दूर होता है, रिमोट कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड होता है। ठीक है, बाद में पता चलता है कि उन लोग, उसका जो बेटा होता है वो बोलता है, पापा हम लोग मरने से नहीं डरते हैं अगर हम लोग सभी साथ में रहें तो। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, उसका बेटा कहता है। ये बात कौन कहता है? जॉन बोलता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जॉन, जोनाथन को जॉन बोलते हैं। 6 साल का लड़का सोचिए बोलता है, पापा आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, डैडी आप कितना क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम लोग मरने से नहीं डरेंगे अगर हम लोग सभी साथ में मिलकर काम करेंगे तो। कौन कौन? यू, मम्मी, सुजैन और आई, मैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसने कहा कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं? सुजैन, तो जोनाथन कहता है। 65 किलोमीटर टापू पर उन लोग पहुँच जाता है बहुत देर स्ट्रगल करने के बाद, एक आइलैंड पर। ठीक है, उस आइलैंड का नाम होता है एली एमस्टरडम। क्या नाम होता है? एली एमस्टरडम, याद रखिएगा। देखिए ये टापू का नाम है एली एमस्टरडम। क्या नाम है? एली एमस्टरडम। ठीक है, और उसके बाद आगे दिखाया गया है कि उस एली एमस्टरडम टापू पर 28 लोग रहते हैं जो फ्रांस के कब्जे में होता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद सुजैन का टांका लगता है, 6 गो माइनर, छोटा छोटा 6 गो ऑपरेशन होता है। लेखक समझ, राइट, जो नैरेटर है हमारा 37 वर्षीय, उसको यही सोचता है कि मेरी बेटी पर मुझे गर्व करना चाहिए, इतना चोट लगा तब एक बार हमारी बेटी नहीं कही। वो जान रही थी कि बाबूजी अभी सबको बचाने में लगे हैं तो क्यों पापा को डिस्टर्ब करना। और वो लड़का जो कि 6 साल का है, जो मरने से नहीं डरता है, नॉट अफ्रेड टू डाई, मरने से नहीं डरता है, तो मरने से कौन नहीं डरता है? तो जोनाथन, जो कि 6 साल का लड़का है।
देखिए डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, वो A.R. विलियम्स ने इसको लिखा है। ठीक, डिस्कवरिंग माने होता है खोज। टट नाम के एक राजा एक खोज है जिसकी कहानी आगे भी जारी रहा। सागा माने कहानी होता है, कंटिन्यू माने जारी रहना होता है। टट डिस्कवर माने खोज करना, टट एक राजा का नाम जिसका नाम पूरा नाम टूटन खामून है। अगर इसका MCQ पर अगर बात करें क्या क्या पूछ सकता है सर इसमें, देखिए जब टट नाम के एक राजा के मृत्यु हुए थे तब टीनेजर था। कैसा था वो? टीनेजर यानी किशोरावस्था में राजा का मृत्यु हुई थी। यही है वो लड़का जिसका मृत्यु हुआ था। वह अपने वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था और उत्तराधिकारी जो है वो वहाँ के राजा को फैरो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैरो। क्या कहा जाता था? फैरो। ठीक है, पहली बार टट का जो मौत हुआ तो उसको दफना दिया गया। इजिप्ट का कहानी है ये, जिसको हम लोग हिंदी में मिस्र कहते हैं। अंतिम उत्तराधिकारी था बेचारा, किशोरावस्था में रहस्यमय तरीके से मौत उसका हो गया। तो वैज्ञानिक बाद में उसके मौत का पता लगाने लगे कि कैसे मरा ये आदमी। देखने से भी लग रहा होगा कि किशोरावस्था है, बच्चा टाइप का लग रहा है, लेकिन मर कैसे गया? इसका पता लगाने के लिए इसके लाश को दो बार, कितने बार? दो बार बॉडी को निकाला गया। एक बार 1922 ईस्वी में पहली बार इसका इसके बॉडी को खोजा गया। 1922 ईस्वी याद रखना, पहली बार टट के टॉम यानी कि कब्र को खोजा गया 1922 ईस्वी में, पहली बार डिस्कवर किया गया है पहली बार। ठीक है, और बाद में 80 साल के बाद CT स्कैन करने के लिए 5 जनवरी 2005 को निकाला गया है। जो पहली बार उसको निकाला है उसका नाम है हार्वर्ड कार्टर। क्या नाम है? हार्वर्ड कार्टर। ठीक है, कार्टर, लेकिन उसका पूरा नाम हार्वर्ड कार्टर है। ठीक है, क्या नाम है? हार्वर्ड कार्टर। और दूसरी बार जो उसको निकाला उसका नाम था जाही हवास। क्या नाम था? जाही हवास। पहली बार हार्वर्ड कार्टर, दूसरी बार जाही हवास निकाला। पहली बार 1922 ईस्वी में निकाला गया, दूसरी बार 5 जनवरी 2005 ईस्वी को शाम में 6 बजे निकाला गया है। तो आपसे पूछेगा कि दूसरी बार सीटी स्कैन करने के लिए कब निकाला गया था? 6 बजे शाम में 5 जनवरी 2005 को निकाला गया। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका याद रखिएगा फुल फॉर्म, पूछता है उपयुक्त बार। जो टट का मृत्यु हुआ था आज से 3300 साल पहले हुआ, यानी 3300 वर्ष पहले इसका मृत्यु हुआ है, और उसके बाद इस बॉडी को निकाल करके हम लोग इसका उसका अध्ययन कर रहा है। सीटी स्कैन करने के लिए निकाला गया है। देखिए जब टट का मृत्यु हुआ था, थोड़ा सा बात बताया गया है कि जब इजिप्ट में लोग मरते थे ना तो उसको वहाँ लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए टट के मृत्यु के बाद उसको 26 फीट गहरे और 12 फीट चौड़े कब्र के अंदर दफनाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, 26 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा कब्र के अंदर दफनाया गया था। वहाँ के लोग मानते हैं कि मरने के बाद भी जीवन जीता है राजा, इसीलिए उसके मृत्यु के साथ साथ उसके कब्र में बोर्ड गेम कि महाराज गेम भी खेलेंगे मरने के बाद, ब्रोंज रेजर, बाल दाढ़ी बढ़ेगा तो बनाएंगे, नीलेन अंडर गारमेंट्स उसके कपड़े दफनाए गए थे कि महाराज को पहनना होगा अंदर कब्र में, और केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, बहुत सारा बक्सा बना बना के खाना का और शराब का दफनाया गया था, क्योंकि इजिप्ट में लोग मानते हैं कि मरने के बाद भी जीवन होता है। ये सब पूछ सकता है क्या क्या दफनाया गया था। गेम दफनाया गया था, ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स और केसेज ऑफ फूड, बहुत सारा गहना भी दफनाया गया था। ठीक है, जो कि इसमें सोना वोना लगल था, ये सब आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जब उसका मृत्यु हुआ था तो उस समय विलो एंड ओलिव लीव्स, आपको ये सर्च कर लीजिएगा, विलो और ओलिव लीव्स के का माला पहना करके उसको दफनाया गया था, गार्लैंड बनाया गया था। ठीक है, और लोटस पेटल, लोटस यानी कमल के फूल का भी पत्ता दफनाया गया था उसके साथ जब उसका मृत्यु हुआ था। कुछ लोग ने अनुमान लगाया है कि इसका मृत्यु मार्च या अप्रैल में हुआ था, क्योंकि ये सब चीज मार्च या अप्रैल में ही मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि उसका मृत्यु अनुमान कब लगाया था, मार्च या अप्रैल। ठीक है, आगे समझिए कि टट का नाम, शुरू में टट का नाम था टूटन खातेन, लेकिन बाद में उसने अपना नाम बदल के टूटन खामून कर लिया है, याद रखना। ठीक है, टूटन खातेन से टट ने अपना नाम टूटन खामून कर लिया, क्योंकि वह अमून नाम के देवता की पूजा करता था, इसीलिए अपने देवता के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिया, अमून अमून टूटन खामून। ठीक है, जो कि बहुत कम उम्र में वो बेचारा मर गया, लगभग 9 ईयर्स। ठीक है,
रीजन फॉर अबाउट 9 ईयर्स एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, माने अजीब तरीके से मर गया, कोई पतो नहीं कर पाया कैसे मरा। देखिए याद रखिए कि 2003 ईस्वी में उस जगह पर एक विशेष जगह था जहां पर राजाओं को दफनाया जाता था या बहुत सारा लाश दफनाया जाता था। लगभग 600 मम्मी को काउंट किया गया था, 600, और सीटी स्कैन जब उसका किया गया तो लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज लिया गया था, 1700, इसको भी याद रखिएगा, 1700 डिजिटल एक्सरे लिया गया था सीटी स्कैन के समय, इसको याद रखना है। और जब उसका सीटी स्कैन हो गया तो उसको फिर से दफना दिया गया, और लोग मानते हैं कि ओरिसिस नाम का एक देवता है जो तारे के रूप में आज भी उस बॉय किंग यानी कि उस राजा की रक्षा करता है। जब राजा को निकाला जा रहा था उसके उसके कब्र से, तो लोग मना कर रहे थे, मत निकालिए, इसका श्राप लग जाएगा। वहाँ के लोग आज भी उसकी पूजा करते हैं, और ओरिसिस नाम का जो एक सूल है, आत्मा है, उसकी रक्षा करता उस बॉय किंग का। ठीक है, ये जो कहानी है यहाँ से लिया गया है। देखिए लेबर्नम टॉप जो हमारा चैप्टर है वो टेड ह्यूज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? टेड ह्यूज के द्वारा लिखा गया है लेबर्नम टॉप। दोस्तों देखिए ध्यान से, तो जो लोग मैसेज पर ध्यान दे रहे हैं, मैसेज पर ध्यान मत दीजिए, एग्जाम आपका आने वाला है, फेल हो जाइएगा मैसेज करते करते। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम आपके साथ इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। फिलहाल आप यही ध्यान दीजिए, द लेबर्नम टॉप चैप्टर का नाम है, ये पोएम है जो टेड ह्यूज के द्वारा लिखा गया है। इसमें ही दिखाया गया है कि गोल्ड फिंच नाम की एक चिड़िया है जो अपने बच्चे को कैसे देख रेख करती है, उसके दाना खिलाती है, और ये दिखाया गया है कि इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी भी अपने बच्चों की देख रेख, नर्चरिंग, पालन पोषण एक साइंटिफिक तरीके से और बेहतर तरीके से करते हैं। इंसान को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चे का देख रेख हम ही सिर्फ अच्छे से करते हैं। पोएम को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेबर्नम एक पेड़ होता है जो पीले पीले फूलों वाला होता है, इसका जो बीज होता है ना बहुत जहरीला होता है। लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट एंड स्टील, लेबर्नम टॉप नाम का एक पेड़ है जो बहुत अभी शांत है और स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अब ये बात है दोपहर की और सितंबर महीने की बात है, तो यही वाला क्वेश्चन पिछला साल पूछा था कि कब की बात है, सितंबर महीने की बात है जब पीला पीला सूरज का प्रकाश इन पीले पीले फूलों पर पड़ रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल सीड फॉलन, पीले पीले फूल हो चुके हैं और बहुत सारे इसके बीज जो है नीचे गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चर्प, ये शांति तभी तक होती है जब तक कि गोल्ड फिंच नाम की एक छोटी सी चिड़िया जो पीले रंग की होती है ना आ जाए पेड़ पर। अ सडननेस अ स्टार्लमेंट एज द ब्रांच एंड, ये चिड़िया आती है तो ब्रांच के अंतिम सिरा पर जाकर के बैठती है। देन स्लिक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, वह शांतिपूर्वक पहले ब्रांच के अंतिम सिरा पर बैठ करके देखती है कि कोई हमको देख तो नहीं रहा है। डायरेक्ट घोंसले में आके नहीं बैठती है, पहले यहाँ बैठ लेगी, यहाँ से अगल बगल देख लेगी कोई हमको देख तो नहीं रहा है, तब धीरे धीरे इधर आकर के अपने घोंसले में आएगी। जैसे छिपकली को कभी आप शिकार करते हुए देखे हैं, पहले छिपकली ध्यान से देख लेती है उसके बाद अचानक हमला करती है, इसीलिए इस गोल्ड फिंच की तुलना लिजार्ड से किया गया। लिजार्ड माने छिपकली, याद रखना ये VVI क्वेश्चन है। गोल्ड फिंच की तुलना किससे किया है? लिजार्ड से किया है। जिस प्रकार लिजार्ड अपने शिकार पर हमला करती है उसी तरह से गोल्ड फिंच भी करती है, अपने घोंसले में जाती है, माफ कीजिएगा। द सी इंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्टअप, जैसे ही वह घोंसले में प्रवेश करती है मशीन स्टार्ट हो जाता है। मशीन यहाँ बेबी बर्ड्स यानी छोटे छोटे चिड़ियाँ को कहा गया, बच्चों को कहा गया है। ऑफ चिटरिंग्स अ टेमर ऑफ विंग एंड थ्रिल्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांप जाता है जब बच्चे चिल्लाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे जब किसी घोंसला में उसकी माँ पहुँचती है ना तो बच्चे अक्सर चिल्लाने लगते हैं। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो अभी आया है ना उसको इंजन कहा गया है। इंजन कौन है? मदर बर्ड। और इंजन के आने से क्या स्टार्ट हो जाता है? मशीन। तो मशीन कौन है? बेबी बर्ड्स। सी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग अ बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क,
सारा अपना मुंह का दाना या जो भी लाती है उसकी माँ अपने बच्चों को खिला देती है, और उसके बाद अपने बच्चों को अपना आवाज़ और अपना पहचान दिखाती है कि देख लो रे ऐसा आएगा तभी चिल्लाना नहीं, तब कोई आएगा तो मत चिल्लाने लग जाना, नहीं तो तुरंत बेसन लपेट के खा जाएगा या शिकारी पक्षी तुमको मार देगा। तो मतलब अपने बच्चों को एक तरह से अपना आइडेंटिटी मास्क और अपना आवाज़ बता करके उसकी माँ उसको ट्रेंड कर रही है कि हम आएंगे तभी चिल्लाना, नहीं तो कोई आएगा तो इसी में चिल्लाने लगना। देन विथ एयर डेलिकेट विसिल चर्प विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, और फिर वह आकाश की ओर उड़ जाती है शांतिपूर्वक। घोंसला में से डायरेक्ट नहीं उड़ती है, घोंसला से सीधे यहाँ जाती है तब यहाँ से उड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, ये बात कब की है, सितंबर महीने की बात है। गोल्ड फिंच चिड़िया है, मशीन किसको कहा गया है, बच्चों को कहा गया है। इंजन किसको कहा गया है, वो जो मदर बर्ड है उसको कहा गया है। आइडेंटिटी मास्क क्यों दिखाती है, अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहती है कि हम आएंगे तो अभी चिल्लाना। देखिए, जो हमारा 4 नंबर चैप्टर है दोस्तों, वो है आपका लैंडस्केप ऑफ द सूल, यानी कि आत्मा की सुंदरता या आत्मा का दृश्य, भू दृश्य। नेथिल ट्रोजनी ने इसको लिखा है। देखिए, इस कहानी में देखो दो स्टोरी है, पहला चाइनीज स्टोरी है और दूसरा है यूरोपियन स्टोरी। पेंटिंग के बारे में बताया गया है कि एक पेंटिंग हमारे इंसान के जीवन में किस तरह की भूमिका निभाती है, इंसान के जीवन और पेंटिंग से जोड़ के देखा है, चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग को बताया है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये जो पार्ट है ना, इसमें चाइनीज पेंटर के बारे में बताया गया है, इधर यूरोपियन पेंटर के बारे में बताया गया है। देखिए, होता क्या है, वु दाओजी नाम का एक चाइनीज पेंटर होता है जो जुआंगजोंग नाम के एक राजा के राज में रहता है, चाइना की कहानी है। जुआंगजोंग वु दाओजी से कहता है कि एक सुंदर पेंटिंग बनाओ, तो वु दाओजी बोलता है कि महाराज हम एक पेंटिंग बनाएंगे लेकिन उस पेंटिंग को आपको मेरी निगाहों से देखना होगा। वु दाओजी उसको ऑर्डर देता है, ये पेंटिंग बनाता है, लेकिन वु दाओजी को उसका पेंटिंग पसंद नहीं आता है। ठीक है, वो समझ नहीं पाता एक्चुअली वो क्या बनाया है। बाद में जो हमारा वु दाओजी होता है पेंटर, उस पेंटिंग के पास जाता है, लैंडस्केप के पास, लैंडस्केप भू दृश्य बनाया है, ठीक है, और ताली बजाता है। उस पेंटिंग के अंदर से गुफा खुलता है और उस गुफा के अंदर वु दाओजी समा जाता है, उसका ब्रश सब उसी के अंदर चला जाता है, और उसके बाद दुनिया में दूसरी बार पेंटर नज़र नहीं आता है। ये कहानी आपको जादुई कहानी की तरह लगेगा, लेकिन हकीकत यही समझिए कि वो दाओजी एक्चुअली राजा को यही समझाना चाहता है कि अगर आप मेरे पेंटिंग को समझना चाहते हैं तो आपको अपनी निगाहों को, खुद को उस पेंटिंग के अंदर समा के देखना होगा, और इसीलिए वह उसके अंदर समा के दिखाया कि देखिए ऐसे समाइएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आज भी चाइना के कहानियों में इस तरह की कहानी फेमस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लैंडस्केप ऑफ द सूल में चाइनीज पेंटर का क्या नाम है, वु दाओजी किस राज्य में रहता है, किसके राज्य में, तो वो जुआंगजोंग नाम के एक राजा के राज्य में वो रहता है। क्या बनाया है, तो लैंडस्केप बनाया है। लैंडस्केप मतलब एक भूमि का दृश्य, सुंदर दृश्य बनाया है, माउंटेन इत्यादि। एक और इसमें छोटा सा कहानी है कि एक पेंटर ऐसा था जो इतना सुंदर बनाया था एक ड्रैगन, इतना हकीकत बना दिया था कि वो डर से उसका आँख नहीं बना रहा था, क्योंकि अगर वो उसका आँख बना देगा तो बाहर निकल के आ जाएगा और उसी को खा जाएगा, इसीलिए डर से उसका आँख नहीं बनाता है। फिर पेंटर मिस्टिस नाम का एक पेंटर होता है जो एक पेंटर की बेटी से प्यार करता है, पेंटर्स डाउटर, ठीक है, ब्लैक स्मिथ होता है, मतलब पेंटर मिस्टिस जो होता है वो एक ब्लैक स्मिथ होता है। ब्लैक स्मिथ मतलब एक लोहार होता है जिसको एक यूरोप के बहुत बड़े पेंटर की बेटी से प्रेम हो जाता है, लेकिन उसका बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तब ये लोहार क्विंटन नाम का जो लड़का होता है, वो पेंटर जो इसका बाप होता है उसके द्वारा बनाया गया एक फोटो पर एक फ्लाई बनाता है, जो फ्लाई इतना रियल लगता है कि पेंटर उसको उड़ाने लगता है, हलाने लगता है, भगाने लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी पेंटर जो उसका जो बाप होता है वो उसको मान लेता है कि ये एक अच्छा पेंटर बन सकता है, बाद में उसको अपने घर में पेंटर के रूप में रख लेता है। क्लास में आपको बहुत अच्छे से इसका कहानी पढ़ाया है।
क्विंटन मिस्ट्रीज की कहानी आपको हम बताएं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछेगा कि यांग किसको कहा जाता है माउंटेन को, और यिन किसको कहा जाता है रिवर को। ठीक है, दाओजिस्ट व्यू में यांग किसको कहा जाता है माउंटेन को, जो पुरुष जाति को बताता है। माउंटेन यानी पर्वत पहाड़ पुरुष जाति को बताता है, और वाटर स्त्री जाति को बताता है, इसको हम लोग यिन कहते हैं। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नेकचंद नाम के व्यक्ति कौन है, उन्होंने क्या किया। नेकचंद नाम के व्यक्ति ने रॉक गार्डन का निर्माण किया जिसमें वेस्ट मटेरियल से वे गार्डन बनाते हैं, और नेकचंद को सबसे अधिक अच्छा तब लगता है जब उनके द्वारा बनाए गए गार्डन के साथ लोग एंजॉय करते हैं, यानी कि सेल्फी लेते हैं उनके साथ, फोटो खिंचाते हैं, एंजॉय करते हैं। देखो ये चूड़ी से बनाया गया फोटो है, चूड़ी फेंक देता है लोग, तो नेकचंद के लोग जा करके उसको कलेक्ट करते हैं, इस तरह के तमाम वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह की चीजों को वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एक गार्डन का रूप दे देते हैं। तो सोचिए कि कोई चीज कभी कचड़ा में था, कूड़ा में था, और अब देखिए सही जगह पर पहुंच गया, सही तरीके से बना दिया गया, तो लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो नेकचंद ने रॉक गार्डन का निर्माण किया जो 80 वर्ष की उम्र में किए थे। ठीक है, तो नेकचंद नाम के व्यक्ति ने रॉक गार्डन का निर्माण किया है, ये VVI क्वेश्चन है। रॉक गार्डन किसने बनाया, नेकचंद ने। अगला हमारा वॉइस ऑफ द रैन एक पोएम है जिसमें हम लोग देखते हैं कि वाल्ट विटमैन ने इसको लिखा है। इस पोएम का सारांश यही है कि जो हमारा लेखक है वाल्ट विटमैन, वो झमाझम गिर रही बारिश की बूंदों से बात करता है और पहला सवाल पूछता है कि हु आर्ट दाउ, कौन हो तुम। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर, मैंने धीरे धीरे गिर रहे झमाझम बारिश की बूंदों से पूछा कि कौन हो तुम। तो जो जवाब बारिश की बूंदों ने मुझे दिया, मैं उसी को ट्रांसलेट कर रहा हूं नीचे, और पढ़िए कि क्या बारिश की बूंदों ने मुझे कहा। देखिए आप इस पोएम को समझने से पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि इंसान के लिए या पृथ्वी के लिए या किसी जीव के लिए, पेड़ पौधे के लिए बारिश कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो ये पूरे पोएम के ट्रांसलेट करते समय बारिश की बूंदों ने यही कहा है कि हम पेड़ के लिए कितना जरूरी है, पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है, समुद्र के लिए कितना जरूरी है, मेरे बिना ये नया चीज़ नहीं हो सकता है, मेरा आना पृथ्वी पर बहुत जरूरी है, बारिश का होना बहुत जरूरी है। अब इसका कीमत तब पता चलता है जब बरसात में बारिश नहीं होता है। किसान के अगर कोई बेटा है तो उस कीमत को समझ रहे होंगे। किसान जब बारिश होता है तो किसान नाचता है, मन में बहुत खुश होता है, बारिश नहीं होता है तो अंदर से बहुत कूड़ता है, तकलीफ में होता है, और अपना फ्यूचर को सोचता है कि बारिश नहीं होगा, फसल नहीं होगा, तो बच्चों का भविष्य ठीक नहीं होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगा, चाहे बहुत सारी चीज़ उसके दिमाग में चलता है। मैं खुद अपने परिवार में इस चीज़ को महसूस किया हूँ, इसलिए जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि बारिश जो होता है ना वो अमृत के समान होता है मिडिल क्लास के लोगों के लिए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है द वॉइस ऑफ द रैन, माने बारिश की आवाज़। देखिए क्या लिखा है, हु आर्ट दाउ, कौन हो तुम। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर, मैंने धीरे धीरे गिर रहे झमाझम बारिश की बूंदों से पूछा। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, जो आंसर मुझे बारिश की बूंदों ने दिया उसको मैं यहाँ ट्रांसलेट किया हूँ, पढ़िए और समझिए। बारिश की बूंदों ने कहा, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी के संगीत हूँ। ये यहाँ से सवाल पूछेगा आपसे कि पृथ्वी का संगीत कौन है, तो बारिश की बूंदें, सौर। सौर मतलब ही बारिश की बूंदें होता है। ठीक है, सौर यहाँ लिखा है ना, तो उसको बारिश की बूंदें कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि इटर्नल आई राइज इम्पेलपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं हर जगह हूँ, अनंत आकाश में भी हूँ और अथाह सागर में भी हूँ। अपवर्ड टू हेवन वेयर्स विग्वली फॉर्म्ड, मेरा निर्माण ऊपर स्वर्ग में होता है जहाँ धुंधले रूप में मैं होती हूँ। टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, मेरा कई रूप बदलता है लेकिन अंत में मैं वही होती हूँ जो जिस तरह से मैं यहाँ से निकलती हूँ। जल चक्र आप लोग जानते होंगे, शुरू में जल के रूप में होता है, फिर गैस बनता है, फिर ठोस बनता है, फिर से वो द्रव बन करके फिर से नीचे गिरता है।
आई डिसेंड टू लीव द ड्राउथ, मैं सूखे को मार देती हूँ, एटोमिज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और मैं पृथ्वी के ऊपर जो धूल कण जो गंदगी है उसको भी साफ करके नीचे गिरा देती हूँ, और वातावरण को साफ करने का काम मेरा है। कौन कहता है? बारिश की बूंदे। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, और मेरे बिना पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ एक बीज अनबोर्न है, उसका जन्म नहीं हो सकता है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं जहाँ से निकलती हूँ यानी पृथ्वी से निकलती हूँ तो मैं वापस आकर के पृथ्वी को ही जान देने का प्रयास करती हूँ। तो आपसे पूछेगा कि वर्षा का ओरिजिन यानी कि बारिश का उद्गम स्थल कहाँ है, तो पृथ्वी बताना है, ठीक है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाइड, पृथ्वी को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम कौन करता है? तो सौर, बारिश की बूंदे। एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, हमारा अगला जो चैप्टर है एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। देखिए एलिंग मतलब होता है बीमार, अब प्लैनेट मतलब होता है पृथ्वी, ग्रीन मोमेंट मतलब हरित क्रांति होता है, रोल मतलब भूमिका। इसका पूरा का अर्थ हुआ कि बीमार पृथ्वी को ठीक करने में हरित क्रांति की भूमिका। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कैसे इंसान और उसका स्वार्थ, पॉपुलेशन, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रहा है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है कि 1900 आपसे पूछे एग्जाम में कि फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी का स्थापना कब हुआ था, एग्जाम में पूछेगा कि फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी का स्थापना कब हुआ 1972 में, वीवीआई क्वेश्चन है, आईवे करेगा या एग्जाम में, किस देश में हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था। तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा कि किसने कहा कि हमारा जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कोपरनिकस ने कहा था। कहाँ पर जाने के बाद हम लोग को दिखाई देता है कि कहाँ पर जाने के बाद लिखा है कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, जाम्बिया नाम का देश है जिसमें एक बहुत बड़ा मिरर लगाया गया है दर्पण जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसमें लिखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, और वो जानवर कोई और नहीं बल्कि इंसान है, हम ही लोग हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एल के झा नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा था, एल के झा क्या बोले थे, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग इस पृथ्वी को दिन प्रतिदिन रेगिस्तान डिजर्ट बनाते जा रहे हैं, ठीक है, और पृथ्वी को बीमार करते जा रहे हैं। आपसे पूछेगा कि मिस्टर आर ब्राउन क्या लिखे थे, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट लिखे थे। पृथ्वी पर चार प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम कौन है, चार, पहला है फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, यहीं से हम लोग का पूरा फूड चेन काम करता है, खाना पीना मिलता है पूरे वर्ल्ड को, चाहे वो इंसान हो चाहे दूसरा जीव हो। आगे लिखा है कि जेम्स स्पेथ ने क्या कहा है, आपसे एग्जाम में पूछेगा जेम्स स्पेथ क्या कहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग इस पृथ्वी को एक एकड़ प्रति सेकंड नहीं बल्कि डेढ़ एकड़ प्रति सेकंड जंगल को साफ कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, एक सेकंड में डेढ़ एकड़ काटते रहे जंगल, ये जेम्स स्पेथ कहे थे। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछेगा, तुम्हारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए कि प्रत्येक चार दिन में पृथ्वी की जनसंख्या कितना बढ़ती है, 1 मिलियन, चार दिन में 1 मिलियन यानी चार दिन में लगभग 10 लाख लोग पैदा होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ सकता है कि ज्यादा बच्चे, बहुत पहले के लोग जनसंख्या विस्फोट के बारे में क्या समझिए, ये समझिए, पहले के लोग ये सोचते थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्क, ज्यादा बच्चे का मतलब ज्यादा काम करने वाला नहीं बल्कि मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि ज्यादा बेरोजगार बच्चे पैदा हो जाएंगे। ठीक है, और अभी के समय में पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, सबसे बड़ा काम अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर प्रायोरिटी देना चाहिए। और अंत में तुमसे ये पूछेगा कि बताइए कि लेस्टर आर ब्राउन क्या बोले थे, लेस्टर आर ब्राउन यही बोले थे,
कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, हम लोग इस पृथ्वी को अपने बाप दादा से नहीं लिए हैं, बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि अपने बच्चों से हम लोग उधार लिए हैं, और हम लोग को इस उधार पृथ्वी को सही सलामत लौटाना है। तो सुरक्षित नहीं रखिएगा तो कैसे लौटाइएगा। ती वाला बहुत वीवीआई पार्ट है, इसको बढ़िया से बार बार मेरा वीडियो देखिएगा। अब देखिए ब्राउनिंग वर्जन है छठा चैप्टर, ठीक है, टेरेंस रैटिगन ने लिखा है। इसमें देखिए कोई खास बात नहीं है, ये चैप्टर में तीन चार बात खाली आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के व्यू से हम सब बता रहे हैं, ठीक है, कम समय में अधिक बातें हमें करना है। देखिए बात यही है कि टैपलो नाम का एक लड़का है जो लगभग 16 साल का है, टैपलो नाम का एक लड़का है जो लगभग 16 साल का है, वो अपने टीचर फ्रैंक नाम के एक टीचर से बात करता है। इन लोग दोनों आपस में बातचीत करते हैं, पर एक तीसरे टीचर की बात हो रही है, उस तीसरे टीचर का नाम है क्रॉकर हैरिस, जो कि एक अधेड़ टीचर है, माने आधा उम्र के टीचर, आधा उम्र बीत गया है बेचारा का, मिडिल एज टीचर है। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है मिली। अब ये जो क्रॉकर हैरिस हैं, टैपलो को रुकाए हैं स्कूल के पास, क्लास खत्म हो गया है, छुट्टी हो गया, सारे बच्चे चले गए, गेम का पीरियड भी हो गया, फिर भी क्रॉकर हैरिस टैपलो को बोले हैं कि तुम रुकना एक्स्ट्रा क्लास के लिए, क्योंकि तुम बीच में बीमार पड़ गया था जिसके चलते स्कूल नहीं आया था, तो वो चीज़ तुम्हारा छूट गया है, इसीलिए हम तुमको एक्स्ट्रा क्लास देंगे। अब क्रॉकर हैरिस कह दिए हैं इसको कि तुम रुकना, हम आएंगे, लेकिन ये नहीं आया अभी तक, टाइम हो गया है उनका लेकिन अभी तक आया नहीं है, अभी बेचारा गेट के पास खड़ा होकर के वेट कर रहा है। और तभी उसको एक और टीचर मिल जाते हैं फ्रैंक, दोनों आपस में बात करते हैं स्कूल के सिस्टम के बारे में, रिजल्ट के बारे में, एगामेमनन के बारे में, ठीक है, साइंस के बारे में, और क्रॉकर हैरिस के बारे में, ठीक है। लेकिन बहुत देर तक क्रॉकर हैरिस नहीं आते उस बच्चे से मिलने के लिए। तब उनकी पत्नी जिनका नाम है मिली, क्या नाम है, मिली, मिली कहती है कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, यानी क्रॉकर हैरिस नहीं आएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम मेरे लिए दवा लेके आओ, केमिस्ट की दुकान पर भेज देती है ये। तो टैपलो पूछता है कि अगर सर आएंगे तो हम क्या जवाब देंगे बीच में आ गए तो बोली कि हम समझ लेंगे, हम बोल देंगे कि हम उसको दवा लेने के लिए भेजे हैं, और टैपलो फिर यहाँ से चला जाता है। तो पिछला साल तुम्हारे एग्जाम में इस लेसन सवाल पूछा था कि मिली ने टैपलो कहाँ भेजा, तो बाबू मिली ने टैपलो को एक केमिस्ट की दुकान पर भेजा और कुछ दवा लेने के लिए भेजा, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन दे करके, पुर्जा में कुछ दवाई का नाम लिख करके केमिस्ट की दुकान पर भेजता है, ठीक है। देखिए अगला हमारा चैप्टर है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, आप लोग तो जान रहे होंगे। अब इस पोएम में हम लोग क्या देखे हैं, इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए इस पोएम में हम लोग यही पढ़ते हैं कि एक बच्चा है जो बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि उसका बचपन कब खो गया, उसका बचपन कहाँ चला गया। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कोई बड़ा हो गया या कोई मैच्योर हो गया कब पता चलता है, इसको देखेंगे। तो वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब बीत गया, वाज इट द डे आई चेज टू बी 11, क्या मेरा बचपन तब बीत गया जब मैं 11 साल का हुआ, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, क्या मेरा बचपन तब बीत गया जब मुझे पता चला कि स्वर्ग या नर्क जैसा कोई भी चीज ज्योग्राफी में नहीं पाया जाता है, एंड देयर आफ्टर कुड नॉट बी, वाट वाज द डे, कब था मेरा बचपन कब बीत गया। फिर पूछता है वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब बीत गया, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वेयर नॉट ऑल दे सेम टू बी, क्या मेरा बचपन तब बीत गया जब मुझे लगा कि बड़े लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं, दे टॉक ऑफ लव, वे प्यार से बात करते हैं, प्रीच ऑफ लव, प्यार का अच्छा बात भी बोलते हैं, भाषण भी देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करते हैं, वाज दैट डे, क्या मेरा दिन तब था, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब बीत गया, वाज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड, जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग अब मेरा है, टू यूज विच एवर वे आई चूज, मैं जहाँ मन वहाँ मैं अपने दिमाग का प्रयोग कर सकता हूँ, तब मेरा बचपन बीत गया, प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वे आर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइल ऑन ऑल,
मैं जो भी विचार उत्पन्न करता हूँ सब मेरा है और मेरा ही है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब बीत गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, लगता है किसी भुलाए हुए जगह पर चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, जो कभी किसी बच्चे के चेहरा में रहा करता था। दैट्स ऑल आई नो, पूरा पोएम का मतलब यही है कि एक बच्चा है जो कई स्थिति में अपने बचपन को खो जाने के बारे में बातें बोल रहा है, जैसे कि पहले हेल एंड हेवन के बारे में सोचता था, बाद में उसको बड़े लोगों के बारे में थोड़ा डाउट हुआ, फिर वह खुद से दिमाग लगाने लगा। इन सभी परिस्थिति में उसको लग रहा है कि ऐसी ऐसी स्थिति में मेरा बचपन बीत गया, खो गया, खत्म हो गया मेरा बचपन। देखिए, एडवेंचर चैप्टर है जिसमें जयंत नार्लिकर ने इसको लिखा है, जिसमें जीजा माता एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं प्रोफेसर गायटुंडे। एक प्रोफेसर गायटुंडे नाम के हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गायटुंडे नाम के एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, जिनका रोड एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। दिमाग में चोट लगने के कारण वे कैटेस्ट्रोफ थ्योरी के अनुसार बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं जिससे वो पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, और वे ये कल्पना करते हैं कि वो अंग्रेज वाली दुनिया में चले गए, फिर मुगल के समय में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि जीजा माता एक्सप्रेस से यात्रा कौन कर रहा था, प्रोफेसर गायटुंडे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, पुणे से बॉम्बे जा रहे थे। उनके दोस्त का क्या नाम है, तो राजेंद्र देश पांडे नाम है। उनके मित्र का क्या नाम है, राजेंद्र देश पांडे। पुणे से बॉम्बे जो जा रहे हैं, पहला स्टेशन कौन है, लोनावला। उसके बाद का स्टेशन कौन सा है, तो कजरत। उसके बाद का स्टेशन कौन है, सरहद। ठीक है, ब्रिटिश राज में चले जाते हैं, वैसा होता नहीं लेकिन वो ब्रिटिश राज में चले जाते हैं, सिर्फ मानसिक मतलब उठापटक के कारण वे ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिसमें वो पुरानी बातों को याद करते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल इत्यादि को महसूस करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो प्रोफेसर गायटुंडे हैं, वो अभी तक अपने लाइफ में 999 शो कर चुके हैं और 1000वां शो करने के लिए वो जा रहे हैं। तभी उनका एक्सीडेंट हुआ था और उस समय उनको जो भाषण देना था वो पानीपत की लड़ाई के ऊपर देना था, यानी बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर बोलना था उन्हें। अब वो चीज़ सोचते हुए, चूँकि उनका एक्सीडेंट हुआ इसीलिए जब वो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उसके बाद भी वे पानीपत की लड़ाई के बारे में ही सोचते हैं और उसमें वो उनको लगता है। देखिए, पानीपत की एक्चुअल लड़ाई में मराठे हार गए थे, मुगल जीत गए थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, मुगल हार गए, मराठे जीत गए, उल्टा सोचते हैं। और जिस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो अपने दोस्त राजेंद्र एस पांडे का हेल्प लेते हैं। जब वे बम्बई जाते हैं तब विनय गायटुंडे से मिलना चाहते हैं, ठीक है, जिनका वो बेटा होते हैं और फोर्ब्स बिल्डिंग में वो रहते हैं। विनय गायटुंडे किससे मिलते हैं, विनय गायटुंडे से मिलते हैं। कहाँ पर उनके साथ धक्का मुक्की हुआ था, आज़ाद मैदान में हुआ है। कहाँ हुआ है, आज़ाद मैदान में। आज़ाद मैदान में वो क्या पाते हैं, तो प्रेसिडेंशियल चेयर खाली है, वो पाते हैं कि जो अध्यक्ष कुर्सी है वो खाली है। जब उस पर वो जाके बैठ जाते हैं तो उनको वहां से खींच के हटा दिया जाता, भगा दिया जाता, ठीक है। और इसमें MCQ जो है वो यही पूछेगा कि किस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो जीजा माता एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं। और जीजा माता एक्सप्रेस की तुलना किससे की गई है, तो डक्कन क्वीन एक्सप्रेस से की गई है। गायटुंडे का पूरा नाम क्या है, गंगाधर पंत गायटुंडे, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं, ठीक है। उनके दोस्त का क्या नाम है, राजेंद्र देश पांडे नाम है। उनके अनुसार कितना शो अभी तक कर चुके हैं, तो 999 शो कर चुके हैं, 1000वां शो करना है उनको। क्या सोचते हैं उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो पानीपत की लड़ाई के बारे में सोचते हैं उनका एक्सीडेंट हुआ था।
ठीक है, और किस थ्योरी के बारे में इसमें बताया गया है? कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारा जो अंतिम चैप्टर है वो सिल्क रोड है। थोड़ा सा हम यहाँ लिख भी लिए हैं दोस्तों, ताकि हम जल्दी से अपनी बात को समझा सके। देखिए, जो हमारा नरेटर है सिल्क रोड के राइटर निक मिडिल्टन, ये खुद इस चैप्टर में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं। देखिए, कैलाश पर्वत है और इसी से मानसरोवर झील और बहुत सारी नदियां निकली है, ठीक है। तो इसकी यात्रा को यहाँ पर कोरा कहा गया है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को कोरा कहा गया है। इस कोरा को करने के लिए वो राउ नाम के गांव से इसकी यात्रा की शुरुआत करते हैं। लाहमू नाम की एक महिला के घर में उन लोग रुकता है और वहीं से यात्रा की शुरुआत करता है। एक महिला के घर में उन लोग रुकता है। जब इन लोग यहाँ से निकलने लगता है उसके घर से यात्रा के लिए, तो ठीक है, तो कहता है कि लाहमो नाम की एक महिला जो होती है वो उन लोग को, इन सभी को, ठीक है, इन सभी को सीप स्किन से बना हुआ कोट देती है। तो लाहमो ने नरेटर उनके साथियों का दिया तो सीप स्किन का कोट दिया, जिससे कि वो ठंड से बच सके, क्योंकि उधर हिमालय तरफ बहुत ठंड पड़ती है। डैनियल नाम का एक गाइड है जो उन्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन रास्ते से जाना बताएगा। सैटन नाम का टैक्सी ड्राइवर है, और आपसे एग्जाम में पूछा कि टैक्सी ड्राइवर क्या नाम है, सैटन, गाइड कौन है, डैनियल। उस महिला का नाम क्या है जिसने उन लोग को सीप स्किन का कोट दिया, भेड़ के खाल से बना हुआ कोट दिया, लाहमो। किस गांव से उन लोग यात्रा की शुरुआत करता है, तो राऊ। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को वहां के भाषा में क्या कहते हैं, तो कोरा कहते हैं, ठीक है। कोरा कंप्लीट करने के लिए वो होर नाम के जगह से उन लोग जाता है, डार्चिन नाम का होर, डार्चिन, ये सबसे गुजरते हुए कैलाश मानसरोवर जाना चाहता है, ठीक है। तो होर के बारे में आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि होर जाने के बाद लेखक को कैसा लगा। तो देखो, होर जाने के बाद जानते हैं लेखक को अच्छा नहीं लगा। देखिए, यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है कि होर वाज ग्रीम मिजरेबल प्लेस, बड़ा दुर्गतिपूर्ण जगह था, बड़ी खराब जगह था, जहाँ कोई वेजिटेशन, पेड़ पौधा नहीं था, ठीक है, इस तरह कोई भी चीज नहीं था, खाली पत्थर पहाड़ था, ठीक है, जो कि लेखक को पसंद नहीं आया। इसीलिए होर के बारे में लेखक बड़ा खराब खराब बात लिखा है कि मैंने ठीक जगह नहीं है। अब होर के बाद लेखक डार्चिन जाता है, कहाँ जाता है, डार्चिन जाता है। देखिए, मानसरोवर झील से बहुत सारी नदियां निकली है, सिंधु, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, चार नदियां निकली, याद रखिएगा, सिंधु, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील से इन लोग निकला है। उस यात्रा में लेखक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डार्चिन में जाता है तो वहां पर उसको घुटन महसूस होता है, बहुत ऊंचाई पर जगह है ना, घुटन महसूस होता है, ठीक है। तो सैटन जो उसका ड्राइवर होता है, टैक्सी ड्राइवर, उसको डार्चिन मेडिकल कॉलेज में ले जाता है और वहां पर उसको दवा मिलता है, दवा खाता है तब रात में चांसेस होता है। और जो उसका दोस्त होता है, माने उसका जो गाइड होता है, जो डैनियल होता है, वापस चला आता है, ठीक है, और सैटन उसको वहीं छोड़ देता है। लेखक चूंकि इंग्लिश बोलता है, जो हमारा नरेटर है इंग्लिश बोलता है, तो वो इंग्लिश समझने वाला व्यक्ति को ही खोजता है। तो वहीं डार्चिन में नाम के जगह पर वो चाय पी रहा होता है, तो वहीं पर उसको मुलाकात होता है एक नोरबू नाम के व्यक्ति से। किससे मुलाकात होता है, एक नोरबू नाम के व्यक्ति से मुलाकात होता है, जो चाइनीज व्यक्ति होता है, हालांकि वो तिब्बतियन होता है, ठीक है, तिब्बत का होता है नोरबू, जो बीजिंग में काम करता है, चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंसेज में काम करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एथिक लिटरेचर में वो काम करता है। तो नोरबू कहाँ काम करता है, तो चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंस में काम करता है। और अब नोरबू और हमारा जो नरेटर है, इन लोग दोनों साथ में यात्रा करेंगे। हालांकि नोरबू कहता है कि हम लोग को याक हायर करना चाहिए, याक ले लेना चाहिए यात्रा करने के लिए, क्योंकि नोरबू थोड़ा सा मोटा साइज का व्यक्ति था, उसका पेट उठ निकला था, तो वो सोचता है ना कि याक से जाएंगे तो थोड़ा आराम से पहुंच जाएंगे। देखो, इस चैप्टर में कुछ खास बात नहीं है, बस यही है कि एक निक मिडिल्टन नाम का एक व्यक्ति है जो सिल्क रोड के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए आता है।
जिसको बहुत सारा जगह अच्छा लगता है, बहुत सारा जगह खराब भी लगता है, कहीं पर उसको तीर्थ यात्री दिखाई देते हैं, कहीं पर नहीं दिखाई देते हैं, तो किस तरह से वो संघर्ष करके वहां तक पहुंचा है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहा है, वो ये दिखाया उसमें, ठीक है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसको बताया था कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत सुखद यात्रा है, लेकिन उसको बहुत दुखद लगता है। फादर टू सन एक चैप्टर है, इसमें यही बताया गया है कि एक बाप बेटे के बीच में ये कन्वर्सेशन है, ध्यान से समझिए, एक बाप और एक बेटे के बीच में ये बातचीत है, जिसमें बेटा बाप को समझ नहीं पा रहा है और बेटा बाप बेटा को समझ नहीं पा रहा है, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। शायद ये जेनरेशन गैप का भी एक फर्क है, बाप बोलता है बेटा समझ नहीं पाता और बेटा बोलता है बाप नहीं समझ पाता है। हालांकि दोनों एक ही घर में रहे हैं, एक ही जगह पर पले, एक ही जगह पर खेले हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो वैचारिक भिन्नता है वो इसमें देखने के लिए मिलता है। एलिजाबेथ जेन ने इसको लिखा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मुझे ये बच्चा समझ में नहीं आता है। पहला लाइन में लिखा है कि मुझे ये बच्चा समझ में नहीं आता है, ये बात कौन कहता है? आई यहाँ कौन है? फादर है, फादर को बेटा समझ में नहीं आता है। दाउ वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन अ सेम हाउस फॉर ईयर्स, हालांकि हम लोग एक ही घर में एक ही जगह पर कई दिनों से रहते हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम नाउ, ही वॉज वेन स्मॉल येट हैव आई किल्ड, उसके साथ मैं बहुत कोशिश किया एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने का, लेकिन सब किल हो चुका है, सब रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। अक्सर अभी के समय में आप देखेंगे कि बाप बेटा के बीच में अक्सर संघर्ष चलता है, बाप थोड़ा पुरानी पीढ़ी के साथ रहना चाहता है, बेटा मॉडर्न बनना चाहता है, बाप आगे नहीं बढ़ना चाहता है, बेटा पीछे नहीं हटना चाहता है, इसी को संघर्ष को जेनरेशन गैप के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। यहाँ देखिए लिखा है कि सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशन फ्रॉम नाउ फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल येट हैव आई किल्ड, जब वो बहुत छोटा था ना तो हमारे बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन अब वह सब किल हो चुका है, यानी कि मर चुका है। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, इस बीज को हम ही बोए हैं, इस खेत भी मेरा है, लेकिन आज न ये बीज मेरा रहा न मेरा खेत रहा। वी स्पीक लाइक ए स्ट्रेंजर, हम लोग अजनबी की तरह बात करते हैं, वो बोलता है हम नहीं समझते, हम बोलते वो नहीं समझता है। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दूर दूर तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। दिस चाइल्ड इज बिल्ड ऑफ माई डिजाइन येट वाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, ये बच्चा हम ही पैदा किए हैं, ये बच्चा को हम ही बड़ा किए हैं, लेकिन आज ये क्या बच्चा पसंद करता है हमको नहीं पता है, हम आपको नहीं बता सकते हैं। साइलेंस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ चुप्पी राज करता है, हम चुप रहते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिम हिज फादर हाउस द होम ही न्यू रैदर देन सी हिम मेक मी मूव हिज वर्ल्ड, प्रोडिगल माने खर्चीला होता है, मेरा बेटा एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें मेरा कोई जगह नहीं है, जिसमें सिर्फ अपने वो रहेगा, खुद रहेगा, ठीक है। आई वुड फॉरगिव हिम टू सेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, हम उसको माफ़ कर देंगे और एक नई दुनिया नया प्यार का निर्माण भी करेंगे। फादर एंड सन वी मस्ट बोथ लिव ऑन द सेम ग्लोब, बाप बेटा को एक ही जगह पर रहना चाहिए, बाप बेटा को एक ही जगह पर रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। ही स्पीक्स आई नॉट अंडरस्टैंड, वो बोलता हम नहीं समझते हैं। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ वी ईच, ये जो गुस्सा है ना वो तकलीफ का कारण बन गया है। वी ईच पुट ऑन एन इम्पटी हैंड, हम लोग दोनों अपने अपने गुस्से को त्याग देते हैं, थोड़ा हम भूल जाते थोड़ा वो भूल जाए, थोड़ा हम माफ़ कर देते थोड़ा वो माफ़ कर दे, लॉन्गिंग फ्रॉम फॉर समथिंग टू फॉरगिव, दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं गलतियों को और एक दूसरे को अपना लेते हैं, जैसे पहले बचपन में रहते थे फिर से रहने लगे। तो इस तरह से इसको हम लोग कंप्लीट किए। सेकेंड बुक फटाफट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए हम एमसीक्यू पर सिर्फ बात कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा हम पूरा सा कहानी नहीं सुना रहे हैं, और वीडियो को लाइक करिए आप लोग, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। देखो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा? आरम मुराद दोनों कौन है? आरम मुराद दोनों चचेरा भाई हैं। घोड़ा कौन चोरी किया है? तो मुराद चोरी किया है। कौन चोरी किया? मुराद। बताइए आरक कौन है? तो खुसरो का बेटा है। आरक कौन है? खुसरो का बेटा है।
जोराब कौन है? बोलिए, जोराब कौन है? जोराब आरम के पिताजी हैं जोराब। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, मुराद के पापा हैं। देखिए, मुराद्स फादर। जोराब कौन है? मुराद के पापा हैं। ठीक है, फिर से एक बार, आरम मुराद दोनों चचेरा भाई हैं। आरक जो है वो खुसरो का बेटा है, मुराद जो है वो जोराब का बेटा है। ये सब चीज़ हम आपको पढ़ाए हैं। खुसरो एक सनकी व्यक्ति है, बड़ी जल्दी सनक जाता है, बड़ी जल्दी गुस्सा जाता है और हर बातें में कहता है, चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक है। जॉन बायरो एक घोड़े का मालिक है, जो $60 में घोड़ा खरीदा था, इसी एक घोड़ा ही मुराद चुराया है। और इस घोड़े को उन लोग भोर में, अर्ली मॉर्निंग यानी कि 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे भोर में इन लोग उस घोड़े से यात्रा करता है, ताकि कोई जगे ना और जग करके उसको पकड़ ना ले। उस घोड़े को उन लोग भोर में तो चलाता है, लेकिन उसके बाद कहाँ छुपाता है? वाइन यार्ड में। कहाँ छुपाता है? वाइन यार्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत? उस घोड़े को कहाँ छुपाता है? वाइन यार्ड में छुपाता है। वाइन यार्ड मतलब अंगूर का बगीचा होता है। तो अगर आप इसमें देखिएगा, तो ये दोनों लड़के क्या हैं? आर्मेनियन बॉयज हैं, पुअर आर्मेनियन बॉयज। कौन कौन है? आरम और मुराद। ठीक है, जिनका हॉलमार्क क्या है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। मुराद को क्या कहा गया? केरेजी बॉय कहा गया है, मैंने बड़ी सनकी लड़का वो भी है, मुराद भी है। आरम के पास कब जाता है? सुबह में जाता है। आरम उस समय क्या कर रहा था? सो रहा था। आरम के पास जाकर के क्या ऑफर करता है? घोड़ा पर चढ़ने का। गैरोगेलियन फैमिली से कौन आता है? आरम और मुराद। गैरोगेलियन फैमिली का पहचान क्या है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ठीक है, कौन कहता है इट इज नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, ध्यान देने की बात नहीं है, सब ठीक है? कौन कहता है? तो खुसरो कहते हैं। मुराद के पापा क्या नाम है? जोराब। क्या नाम है जी? जोराब। क्या नाम है? जोराब। ठीक है, और मुराद और आरम उस घोड़े को कहाँ छुपाते हैं? वाइन यार्ड में। वाइन यार्ड मतलब अंगूर का बगीचा। उस घोड़े को, घोड़े का ओरिजिनल मालिक कौन है? जॉन बायरो। ठीक है, कितना डॉलर में खरीदा है? $60 में खरीदा है, लेकिन उसको कौन चुरा लिया? मुराद चुरा लिया। लेकिन अंत में आरम और मुराद, ठीक है, लेकिन अंत में आरम और मुराद जो है वो उस घोड़े को वापस कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि हमारा परिवार जो है वो ईमानदारी और भरोसा के लिए जाना जाता है, और हम लोग घोड़ा पर बैठ के मजा लेने के चक्कर में उस ईमानदारी को, जो सैकड़ों साल से हमारा परिवार बना के रखा है, उसको हम लोग ऐसे ही गला घोट देंगे। फटाफट जाता है और जाकर के उस घोड़े को वापस कर देता है। ठीक है, अब देखिए, द एड्रेस चैप्टर है, इसमें बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, बड़ा ही सिंपल सा स्टोरी है। आप लोग को ठीक से दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो यस बताइए। इफ यू आर एबल टू सी मी क्लियरली देन नॉक मी। ठीक है, बताइए। ठीक, थोड़ा सा नेटवर्क में आप चले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नो भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक, ओके। द एड्रेस चैप्टर है दोस्तों। एड्रेस चैप्टर के मेन कैरेक्टर कौन है? मार्गामिंको। मार्गामिंको की माँ का क्या नाम है? मिसेज एस। और ये कहानी हॉलैंड में युद्ध के समय लिखा गया है, हॉलैंड में जब लड़ाई हो रहा था, युद्ध हो रहा था, उस समय लिखा गया है। ठीक है, मार्गामिंको अपनी माँ के सभी सामान को लेने के लिए कहाँ जाती है? मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर। किसके घर में अपना पूरा सामान छोड़ती है? डॉर्लिंग नाम के व्यक्ति के घर में अपना सामान छोड़ती है। डॉर्लिंग एक महिला है जो उसके पड़ोस में रहती थी, लेकिन क्या डॉर्लिंग अपना उसका सामान सब वापस करने के लिए तैयार होती है? नहीं तैयार होती है।
मार्गामी को दो बार जाती है। कितने बार जाती है? अपना सामान लेने के लिए, अपनी माँ की चीज़ों को लेने के लिए दो बार, लेकिन फिर भी उसके सामान को उन लोग नहीं देती है। बाद में मार्गामी को यही सोचती है कि जाओ तुम लोग रख लो मेरा सामान। तो इसका MCQ ये चारों में से पूछेगा कोई ना कोई एक कि इस कहानी का नरेटर कौन है, तो मार्गामिंग को, राइटर कौन है, मार्गामिंग को। मार्गामिंग को की माँ का क्या नाम था? मिसेज एस। किसके घर में लोग अपना सामान रखा है? तो डॉर्लिंग। किस देश के में लड़ाई हो रहा है? तो हॉलैंड। कहाँ हो रहा है? हॉलैंड, ठीक है। और उस एड्रेस को बताइए, उस पता को बताइए जहाँ पर मार्गामिंग को अपने माँ के सामान को लेने के लिए जाती है। तो मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर, याद रखिएगा, मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर, रिमेंबर दैट, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए रंगाज मैरिज जो चैप्टर है वो बड़ा बढ़िया मजेदार चैप्टर है, और मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छा भी लगा होगा। आपसे पूछेगा रंगा किसका बेटा था? अकाउंटेंट का बेटा था। रंगा पढ़ने के लिए कहाँ गया? बेंगलोर। 6 महीना तक पढ़ा है वहां पर। रंगा के गाँव का नाम क्या था? होसाहली, ठीक है। रंगा जब आता है तो उसके घर में भीड़ लोग लगा देते हैं उसको देखने के लिए। जब रंगा अपने घर आता है तो क्या चेक करती है एक बूढ़ी महिला? जनेऊ चेक करती है कि जनेऊ पहन के रखा है कि नहीं रखा है, लेकिन लड़का पहन के रखा है। रंगा जिस गांव में रहता है वहां पर सबसे महंगा चीज क्या है? अंग्रेजी बोलना। वहां के लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, इंग्लिश नहीं बोलते थे। रंगा ने लेखक को कैसे प्रणाम किया? नरेटर को, श्यामा को, बड़ा बढ़िया से झुक के, आज के लड़का के तरह नहीं, बढ़िया से झुक के प्रणाम किया। रंगा की शादी किससे होती है? रत्ना से। यही रत्ना है। रत्ना बहुत अच्छा हारमोनियम बजा लेती है, बहुत अच्छा गा लेती है। रत्ना किसके साथ रहती है? अपने पापा, अपने चाचा रामा राव के साथ। किसके साथ? रामा राव के साथ। उसके माता पिता का डेथ हो गया है, रत्ना के माता पिता का डेथ हो गया है, तब से लेकर के रत्ना अपने चाचा के साथ रामा राव के साथ रहती है। रंगा और रत्ना की शादी कौन लगाता है? श्यामा लगाता है। कौन लगाता है? श्यामा। इस कहानी का नरेटर कौन है? श्यामा है, ठीक है। भविष्यवाणी कौन करता है? शास्त्री जी करते हैं। कौन करता है? शास्त्री जी। कौन करता है? शास्त्री जी, ठीक है, भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। रंगा और रत्ना की शादी हो जाता है, शादी के बाद उनका एक बेटा जन्म लेता है। बेटा क्या नाम रखता है? श्यामा। क्या नाम रखता है? श्यामा। नरेटर के नाम से अपना बेटा का नाम लोग श्यामा रख लेता है। अगला है, चौथा नंबर चैप्टर है, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल में ये वाला खाली आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एल्सा सिस्टर है, एल्सा जो है उसकी सिस्टर है। इस कहानी में ही दिखाया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने E=mc² का खोज किया था, उनका पढ़ाई लिखाई यानी उनका बचपन में कैसे कैसे थे वो पढ़ने में। तो आपको बता दें अल्बर्ट आइंस्टीन चीज़ों को याद करना, डेट और फैक्ट को रटना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे हम लोग याद करते हैं ना कि पानीपत की लड़ाई कब हुआ, किसके उसके बीच में हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि सबको याद करने से फायदा क्या है हमको, इससे बढ़िया तो हम मैथ पढ़ लेंगे। सन इस भी याद करने से क्या फायदा है? डेट एंड फैक्ट्स। हमको आप ये मत पढ़ाइए कि कब लड़ाई हुआ, कितना इसमें हो, बल्कि ये लड़ाई ये बताइए कि उन लोग दूसरे को मार क्यों रहे थे और ऐसा लड़ाई फिर से ना हो, इससे इंसान को नुकसान क्या है, ये बताइए। डेट एंड फैक्ट्स याद करने से क्या फायदा है? तो उनके एक टीचर थे मिस्टर ब्राउन, जो कि हिस्ट्री टीचर थे, उन्हीं के साथ इनका बार बार झगड़ा होता था। अब ब्राउन पूछते कि बताओ कि वाटरलू की लड़ाई में फ्रांस प्रूसिया कब लड़ा, प्रूसियन फ्रांस को कब हराया, तो अभी बताइबे नहीं करते, बोलते कि इसका जरूरत नहीं है, मुझे नहीं याद है, हम याद करने की कोशिश ही नहीं की है, यह सब बहस दिखाया गया है। यहाँ स्पीचलेस हो जाते हैं मिस्टर ब्राउन। अगर कोई टीचर किसी बच्चे को कहे कि तुम बताओ याद किया है कि नहीं किया है, और लड़का कहे नहीं याद किया है, तो उनको तो टीचर को खराब लगेगा। हिस्ट्री टीचर का क्या नाम है? ब्राउन, याद रखना, ये सब MCQ है। बढ़िया, हिस्ट्री टीचर कौन है? ब्राउन। मैथ टीचर कौन है? कोच। उसका एक दोस्त है, फ्रेंड यूरी है, जो इसको डॉक्टर अर्नस्टवेल का पता बताता है। कौन डॉक्टर है जो यूरी, जो आइंस्टीन को एक सर्टिफिकेट देता है कि वह नर्वस ब्रेकडाउन यानी कि पागल होने वाला है? डॉक्टर अर्नस्टवेल। एल्सा उसकी बहन है। एल्सा क्या सलाह देती है अल्बर्ट आइंस्टीन को? कि तोता की तरह सब रट जाओ,
लेकिन आइंस्टीन उसको रटते नहीं हैं। आइंस्टीन जहाँ रूम लिए हैं वहाँ का माहौल कैसा है? बहुत ख़राब माहौल है। जो उनकी लैंड लेडी है बहुत झगड़ा करती है, अपने बच्चे को बहुत पीटती है और उनको गिटार भी नहीं बजाने देती है, वायलिन भी नहीं बजाने देती है। सप्ताह भर उसकी रूम मालकिन अपना पूरा बेटा बेटी को पीटती है और उसका हस्बैंड पी के आता है सप्ताह में एक दिन और वो हाड़ के मारता है अपना वाइफ को। मैंने पूरा ज़बरदस्त ऐसा रूम मिल गया है ना, उसको बहुत ख़राब रूम मिल गया है। आप में से भी कुछ लोग जो रेंट पर रहते होंगे कई बार अपने रूम से परेशान रहते होंगे, बहुत हल्ला गुल्ला होता होगा, कोई म्यूजिक बजा रहा है तो कोई रूम मालिक हल्ला कर रहा है या बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को भी अच्छा रूम नहीं मिला था। एग्जाम में देखो सवाल क्या पूछेगा, अल्बर्ट आइंस्टीन के टीचर क्या नाम था? मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर थे जिनके साथ उनका बहुत झगड़ा होता था। मैथ टीचर कौन थे? कोच थे। उनके दोस्त का क्या नाम था? यूरी, जो पता बताता है अर्नस्टवेल का। अर्नस्टवेल ही उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन यानी कि दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया है, तुम पागल होने वाले हो, ठीक है, और उसका इलाज अगर नहीं हुआ तो ये लड़का और पागल हो जाएगा, स्कूल छोड़ने के लिए वो व्यवस्था लगाते हैं। देखिए आइंस्टीन एक्चुअली स्कूल से खींच जाते हैं, उनको मन नहीं करता स्कूल जाने का, इसीलिए वो कुछ दिमाग लगा के स्कूल छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए अपने आप को पागल साबित करवाते हैं एक डॉक्टर की मदद से, और ये इनको सर्टिफिकेट बना कर देता है, उस सर्टिफिकेट के सहायता से वो स्कूल छोड़ देते हैं। हालांकि उनके प्रिंसिपल उनको ये सब बात कहने से पहले ही स्कूल से निकाल देते हैं, उनको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर आप लोग बस याद रखिएगा कौन कौन लोग हैं, ठीक ना। बीच बीच में एक दो पार्ट है जो आपको हम और भी बताएंगे, जैसे कौन से शहर में जाते हैं, मिलान शहर में, शहर का क्या नाम है? मिलान, ठीक है। और अंत में अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल छोड़ कर चले जाते हैं। उनकी बहन थी एल्सा, एल्सा को बताते हैं कि हम जा रहे हैं स्कूल छोड़ करके, तो उसकी बहन बोलती है कि अरे क्यों जा रहे हो छोड़ करके, तो बोलते हैं कि हमको पसंद नहीं है ये सब चीज़ याद करना, हमको डेट फैक्ट्स याद करना पसंद नहीं है, हमको बार बार रोज रोज मास्टर से झगड़ा होता है। तो बोलती है कि अरे याद क्यों करना है, सब रट जाओ तोता के तरह। अब लड़की लोग तो रटने में बहुत आगे रहती है, याद बहुत जल्दी जल्दी कर लेती है, ठीक है। तो इसको भी दिमाग दे रही है लेकिन उनको पसंद ही नहीं है, उनको कहते हैं कि हमको नहीं रटना पसंद है, हमको नहीं अच्छा लगता है, हम रटेंगे तो हमको यादें नहीं होगा, हमको बढ़िया नहीं लगता है रटना, ठीक है। तो ये सब उनके साथ बातचीत होता है। अब देखिए पांचवा नंबर जो चैप्टर है दोस्तों वो है मदर्स डे। मदर्स डे में आपको ये सब चीज़ याद रखना है, यहाँ इससे क्वेश्चन पूछेगा कि मिसेज एनी पियर्सन, डोरिस पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, साइरिल पियर्सन और फिट्जेरल्ड, ठीक है। देखो ध्यान से लिखा है कि देखो इस कहानी में का सारांश आपको बता देते हैं। ये दो महिलाएं हैं, ठीक है, एक का नाम है एनी पियर्सन और एक का नाम है फिट्जेरल्ड। जो एनी पियर्सन नाम की महिला है ये इतनी सीधी साधी महिला है कि इसके सीधेपन का फायदा इसका हस्बैंड, इसके बच्चे, बेटा बेटी सब उठाते हैं, और एक नौकरानी के रूप में अपने घर में रहती है वो, माने घर की माँ है ये। लेकिन याद रखिए कई बार माँ जो होती है ना उनको उनका एक्चुअल सम्मान घर में नहीं मिलता है, ऐसा लगता है कि नौकरानी बन गई है, बेटा बेटी जब मन तब उनसे काम करवाता है, रात में, दिन में, दोपहर में, शाम में, सुबह में, वो काम वो बेटी कर सकती है, वो बेटा उस काम को कर सकता है, लेकिन चूंकि माँ है तो माँ करेगी, आयरन भी माँ करेगी, खाना भी माँ निकालेगी, चाय भी माँ बनाएगी, सब माँ करेगी। लेकिन अपने आप से पूछिए कि क्या माँ जो है वो भी तो एक इंसान है, उनको भी रेस्ट करना होता होगा, उनको भी खाली समय चाहिए होता होगा, कोई रोबोट थोड़े है, कोई जीन थोड़े है, मतलब बोतल से निकला हुआ भूत थोड़े है कि उसको ऑर्डर देते जाओ वो काम करते जाए। तो उसी पर इस लेसन को लिखा गया है, मदर्स डे। चैप्टर क्या नाम है? मदर्स डे। जे बी प्रिस्टले ने इसको लिखा है। तो ये जो महिला आती है ना ये देखती है कि इनके साथ बड़ी अत्याचार होता है, तो ये क्या करती है कि अपना आत्मा इनमें डाल देती है और इसका आत्मा अपने में ले लेती है, ठीक है, और इसका बॉडी लेकर के अपने घर चली जाती है, ओके, माने इसका आत्मा लेकर के अपने अंदर चली जाती है और अपना आत्मा इसमें डाल देती है। दिखाई तो यही दे रही है लेकिन अंदर से ये नहीं होती है,
ठीक है। इसीलिए अब ये महिला जो है, ये महिला शराब भी पीती है, ये महिला किसी का बात नहीं सुनती है, ये महिला पूरा डोमिनेटिंग है और थोड़ा आवाज बहुत ज्यादा मर्द की तरह पूरा बोल्ड है। अब ये समा गई इसके अंदर, ये जादू से अपना आत्मा चेंज कर लेती है और ये चली जाती है इसके आत्मा को लेकर के अपने घर। माने बॉडी इसका है लेकिन आत्मा इसका है, बॉडी इसका है लेकिन आत्मा इसका है, दोनों एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं। और इस तरह से ये महिला इसके अंदर घुस करके, इसके अंदर समा करके, इसका बेटा सॉरी इसकी बेटी डोरिस पियर्सन, इसका बेटा साइरिल पियर्सन और इसका हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन, इस सब को सबक सिखाती है और ये महसूस कराती है कि एनी पियर्सन भी एक महिला है जिसको खेलने का, खाने का, सोने का, आराम करने का मन करता है, समझे। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग कि किसने किसके साथ आत्मा चेंज किया, फिट्ज़रॉल्ड ने अपना आत्मा एनी पियर्सन के साथ चेंज किया, बेटी का क्या नाम है डोरिस पियर्सन, बेटा का क्या नाम है साइरिल पियर्सन और इसके हस्बैंड का क्या नाम है जॉर्ज पियर्सन। फिट्ज़रॉल्ड के बारे में जान लीजिए, थोड़ी सी डोमिनेटिंग महिला है, थोड़ा शराब वराब पीती है, सिगरेट विगरेट पीती है। सोचिए ये महिला कभी अपने लाइफ में शराब नहीं पी है, सिगरेट नहीं पी है या कोई किसी तरह का धूम्रपान नहीं किया है, लेकिन जब इसने अपना आत्मा इसके साथ चेंज किया तो अंदर तो ये आ गई ना, पूरा शराब पीती है वो, नशा करती है और बहुत तेज आवाज में अपने बच्चों से बोलती है। डोरिस कहती है कि मेरा कपड़ा आयरन कर दो, आयरन नहीं करती है, चाय बना दो, चाय नहीं बनाती है। उसके हस्बैंड उसको बोलते हैं कि आज खाना मत बनाना, हम जा रहे हैं इधर क्लब में खेलेंगे। जिसको ही बोलती है कि तुमको तो पोम्पी ओम्पी पियर्सन इन लोग कहता है, तुमको अच्छा लगता है। सब लोग मिल करके अंत में एनी पियर्सन से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसे करोगे वैसे करेंगे। तब ये कहती है कि जॉर्ज पियर्सन सॉरी हाँ डोरिस पियर्सन और साइरिल पियर्सन खाना बनाएंगे, यानी दोनों मेरा बेटा बेटी खाना बनाएगा, आप मेरे साथ बैठेंगे, गेम खेलेंगे और मेरे साथ समय बिताएंगे और सप्ताह में मुझे एक दिन छुट्टी भी चाहिए। तो ये महिला जो है ना, इसको अपना रियल जो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो महसूस कराती है कि अगर तुम अपने बच्चों को नहीं सुधारोगे तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए इस लेसन में इस चैप्टर को बताया गया है मदर्स डे, ठीक है। इसको भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। लिखा है द फॉलोइंग प्ले इज एन ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ ए मदर इन अ फैमिली। इस लेसन में हम लोग देखते हैं कि एक माँ का क्या औकात होता है किसी फैमिली में। लेट्स रीड ऑन द ऑन टू सी हाउ मिसेज पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ऑन राइट। कहानी को पढ़िए और पता कीजिए कैसे मिसेज पियर्सन अपने अधिकार के लिए लड़ती है, अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है, तो उसके फैमिली के लोग क्या रिएक्ट करते हैं। तो यही है, माँ जब कुछ नहीं बोल रही है तो माँ बहुत अच्छी है, और माँ जब आपके बात का जवाब दे दी, आपको कहने लगी कि आप अपना काम खुद से करो, तो माँ खराब हो गई। बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन जो हम आपको इम्पोर्टेंट बात है हम आपको बता दिए हैं। बेटा बेटी साइरिल पियर्सन, डोरिस पियर्सन, फिट्ज़रॉल्ड एनी पियर्सन, ठीक है, जॉर्ज पियर्सन याद रखिएगा। फिर अगला है चैप्टर हमारा घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ठीक है। जो लोग अभी जुड़े हैं वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर कीजिए। हम सारा बात आज के वीडियो में करने वाले हैं, जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं हम सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आज हम आपको दो मित्रों की कहानी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। देखो इस कहानी में ही दिखाया गया है कि दो मित्र हैं आगा शाहिद अली, पहला मित्र आगा शाहिद अली हैं और दूसरे हैं अमिताभ घोष। आगा शाहिद अली को ब्रेन ट्यूमर है और जिसके कारण आगा शाहिद अली का मौत हो जाता है। मरने से पहले अमिताभ घोष को कहते हैं कि तुम अगर मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरे मरने के बाद तुम एक कहानी लिखना जिसमें मेरे और तुम्हारे बीच की दोस्ती को बताया जाए। तो ये जो कहानी लिखा गया इनके द्वारा, ये इतना लंबा कहानी, वो अपने वादे को पूरा करते हुए अमिताभ घोष ने लिखा है, जो अपने मरते हुए दोस्त आगा शाहिद अली से वादा किया था, ठीक है।
तो आपके एग्जाम में पूछा है कि आगा शाहिद का मृत्यु कैसे हुआ, तो ब्रेन ट्यूमर से हुआ। आगा शाहिद अली और अमिताभ घोष क्या थे? तो दोनों मित्र थे। पहली बार लेखक को कब पता चला कि उनका मौत आने वाला है? 25 अप्रैल 2021 को। माफ कीजिएगा, आगा शाहिद अली को पता चला 25 अप्रैल 2001 को। ठीक है, क्या किस बीमारी से उनका मौत होने वाला है? तो ब्रेन ट्यूमर, एक प्रकार का कैंसर का बीमारी हो गया है हमारे आगा शाहिद अली को। आगा शाहिद अली के माता पिता कहाँ रहते हैं? श्रीनगर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? श्रीनगर में। आगा शाहिद अली और अमिताभ घोष कहाँ मिलते हैं पहली बार? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कहाँ मिलते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बाद में इन लोग अमेरिका जाते हैं, ब्रुकलिन नाम के एक जगह में जाते हैं जहाँ पर रहते हैं साथ में। ठीक है, आगा शाहिद अली ब्रुकलिन में रहते हैं ना। आगा शाहिद अली ने एक पोएम लिखा है जिसका नाम है द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, इसमें वो कश्मीर के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? कश्मीर के बारे में बताते हैं। आगा शाहिद अली और अमिताभ घोष के बीच में बहुत सारी समानताएं थी, जैसे रोगन जोश, रोशना बेगम एंड किशोर कुमार दोनों इन लोगों को पसंद करते थे। मैंने दोनों इन लोगों का गाना पसंद करते थे, गजल पसंद करते थे, लेकिन दोनों क्रिकेट पसंद नहीं करते थे। दोनों बॉम्बे का फिल्म पसंद करते थे और दोनों क्रिकेट नहीं पसंद करते थे और दोनों बॉम्बे का फिल्म पसंद करते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि लेखक दोनों के बीच में क्या समानता थी। समानता ये था कि फिल्म देखना दोनों पसंद था और किशोर कुमार और रोशना बेगम के गाने सुनना उन्हें बहुत पसंद था। क्या पसंद नहीं करते थे? क्रिकेट खेलना उन्हें पसंद नहीं था। अब अगला चैप्टर है हमारा कि फर्स्ट ब्लैकआउट, यानी पहली बार लेखक आगा शाहिद अली को कब लगा कि अब उनका मृत्यु हो जाएगा, यानी कि उनको बीमारी हो गया है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। पहली बार कब हुआ? फरवरी 2020 में उनको पहली बार हुआ। उनके माता पिता कहाँ रहते थे? श्रीनगर में रहते थे। ठीक है, द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस किसने लिखा? आगा शाहिद अली ने लिखा, जिसमें कश्मीर के बारे में वो बताए। आगा शाहिद अली का मृत्यु कब हुआ? 8 दिसंबर को हुआ है, 2 बजे रात में। किससे हुआ? तो ब्रेन ट्यूमर से हुआ है। इस लेसन को, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड को अमिताभ घोष ने क्यों लिखा? क्योंकि वो अपने दोस्त से वादा किए थे कि अपने मृत्यु के बाद अपने दोस्ती के बारे में हम लिखेंगे, कि पूरा लेसन उनके दोस्ती के बीच में है। आगा शाहिद अली को खाना पीना बहुत पसंद था, अपने मृत्यु के दिन में भी बहुत बढ़िया से खाए थे। उनके घर में हमेशा 10-20-50 लोग जमा रहते थे और हाहा ही होते रहता था। ठीक है, और हमारा एक चैप्टर है द बर्थ चैप्टर है। बर्थ चैप्टर में नाम से ही पता चल रहा है किसी का जन्म लेने की बात हो गई इसमें। एजे क्रोनिन ने इसको लिखा है। कहानी यही है कि एंड्रयू मैनसन नाम का एक डॉक्टर है जो जो मॉर्गन और सुजैन दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और सुजैन नाम की एक महिला है जो 20 वर्ष के बाद माँ बनने वाली है, इसी का डिलीवरी, इसी के बच्चे की डिलीवरी कराते हैं। और इस पूरे कहानी में बर्थ कैसे उस बच्चे का होता है ही बताया गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सिटेडल नाम के एक मोटे से किताब से इस बर्थ चैप्टर को लिया गया है। एंड्रयू मैनसन इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं और इस चैप्टर के नैरेटर भी हैं, इस कहानी को सुनाते भी हैं। एंड्रयू मैनसन अभी नया नया डॉक्टर बने हैं, उन्होंने कभी कोई डिलीवरी नहीं करवाया है। पहला उनका डिलीवरी है जो सुजैन नाम की एक महिला कराएंगे, जो जो मॉर्गन नाम के एक व्यक्ति की पत्नी है। क्रिश्चियन एंड्रयू मैनसन की गर्लफ्रेंड है। एंड्रयू मैनसन की गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? क्रिश्चियन, जिसके साथ इनका झगड़ा होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि एक डॉक्टर के संपर्क में, चूंकि ये नया नया डॉक्टर है एंड्रयू मैनसन, तो वे एक सीनियर डॉक्टर के साथ काम करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर एडवर्ड पेज, जो वेल्स नाम के एक माइनिंग टाउन में रहते हैं, ब्लेनली नाम का एक जगह है। क्रिश्चियन एंड्रयू मैनसन की गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उनका झगड़ा हुआ है। 12 नंबर गली ब्लेनला ट्रेडेंस में वो रहते हैं। ठीक है, जब एंड्रयू मैनसन अपने काम से घर वापस आते हैं तो किसको पाते हैं? जो मॉर्गन को पाते हैं।
जो मॉर्गन क्यों आए हैं डॉक्टर एंड्रू मैनसन के घर, उनको लेने के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी का डिलीवरी आज होने वाला है। बहुत एक्साइटेड हैं कि 20 वर्ष के बाद उनका बच्चा जन्म लेने वाला है। जो मॉर्गन की सासू माँ भी आई हुई हैं, क्योंकि सुजैन की माँ है, यानी जो मॉर्गन की सासू माँ भी हैं, ठीक है। मिसेज मॉर्गन्स मदर हैं, जो एक लंबी महिला है सफ़ेद बालों वाली, और जो रात भर जगी हुई है इसलिए क्योंकि उसकी बेटी का डिलीवरी होने वाला है। अक्सर देखे होंगे आप लोग कि जब किसी का डिलीवरी होता है, बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं, तो एक उम्रदराज महिला अक्सर होती है। यह महिला इसलिए नहीं सोती है कि डॉक्टर आया है इलाज करने, तो अभी डिलीवरी में देर है, तो कहीं ऐसा नहीं कि ये कह के भाग जाए कि अभी डिलीवरी में देर है, हम बाद में आएंगे। बाद में उस बच्चे का डिलीवरी होता है, लेकिन बच्चा लगभग मरा हुआ पैदा होता है। समझिएगा बढ़िया से, यहाँ से बोनलेस पैदा होता है, ऐसा लगता है कि उसमें हड्डी वड्डी नहीं है। हालांकि बच्चा पूरी तरह से परफेक्टली फॉर्म्ड है, वार्म बॉडी है, बड़ा गर्म सा बॉडी है, वाइट एंड सॉफ्ट बॉडी है उसका, लेकिन ऐसा लगता है कि बोनलेस पैदा हुआ है, मुंडी पूरा झूल रहा है। तब लेखक समझ जाता है एंड्रू मैनसन कि इस बच्चे को अस्पेक्सिया नाम का एक बीमारी हुआ है। अस्पेक्सिया नाम की बीमारी में क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना, उस बच्चे के बॉडी में सफोकेशन हो जाता है, यानी दम घुट जाता है, जिसके कारण उसके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा COT ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण बच्चा मरा हुआ सा लगता है। लेकिन बाद में एंड्रू मैनसन उस बच्चे को गर्म पानी में और ठंडा पानी में गोत गोत करके और उसको जान ले लाता है, ठीक कर देता है, उस बीमारी से उसको निजात दिला देता है। देखिए, ये जो डिलीवरी है एंड्रू मैनसन के लिए बहुत खास इसलिए है क्योंकि 20 साल के बाद अगर कोई माँ बाप बन रहा है और उस समय उसके बच्चे का डिलीवरी आप करवा रहे हैं और बच्चा मर जाए, कितना तकलीफ की बात होगा। इसीलिए एस्पेक्सिया नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए हमारा जो एंड्रू मैनसन है वो उसको एक बार गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में डुबोता है और उसको ठीक कर देता है, माने उसको बचा लेता है, बच्चे का जान बचा लेता है। और सुबह है 5 बजे वह उस बच्चे को डिलीवरी फाइनल करके और वह अपने घर चला जाता है शांतिपूर्वक। बेचारा पूरी तरह थक जाता है, भींच जाता है पानी में, ठंडा गर्म पानी में बच्चे को डालने में या निकालने में। इस क्रम में एक नौकरानी भी होती है घर में, नर्स होती है, उसका हेल्प करती है, ठीक है। देखिए, फिर हमारा लास्ट चैप्टर है बाबू, 8वां चैप्टर है, टेल ऑफ मेलन सिटी। बड़ा मज़ेदार कहानी है, इसमें हंसी वाला कहानी है। कहानी देखो यही है कि अ टेल ऑफ मेलन सिटी मतलब हुआ कि तरबूज वाले शहर की कहानी। स्टोरी यही है कि एक समय की बात है कि एक राजा है जिसने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा आर्क बनवाया। आर्क क्या होता है? इस प्रकार का एक आकृति होती है जो अक्सर आप लोग रोड के किनारे बना हुआ देखते होंगे, इस तरह से रोड आता है, ठीक है। तो राजा ने कहा कि एक सुंदर सा आर्क बनाओ जिसके नीचे खड़ा होकर के हम भाषण दे सकें। तो आर्क बनाया गया, लेकिन जब राजा उस आर्क के नीचे से गुजरा तो उसका इतना नीचे बना दिया था ना कि उसका मुकुट लग गया इसमें, और मुकुट धड़ाम से नीचे गिर गया। ये तो भाई, मुकुट तो राज का सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मुकुट होता है, पगड़ी। अब मुकुट गिर गया तो राजा कहा कि अब हम फांसी देंगे, जो भी व्यक्ति इसको बनाया है उसको हम फांसी देंगे। चूंकि राजा बहुत न्यायप्रिय था, तो न्यायप्रिय राजा है तो भाई उसको तो न्याय करना है, क्योंकि बहुत बड़ा अपमान हो गया राज्य का, मुकुट गिर गया। तो राजा ने सबसे पहले, समझिएगा बढ़िया से, राजा ने सबसे पहले बिल्डर को बुलाया कि ये बिल्डर को बुलाया जो भी बिल्डिंग उसको बनाया था, कि अब आओ तुमको फांसी देंगे क्योंकि तुमने इतना नीचे बना दिया इस आर्क को। तो बिल्डर आया तो कहा कि महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें जो गलती है वो वर्कमैन की गलती है, जो वर्कर लोग था ना उन लोग का गलती है, मेरी कहाँ गलती है। तो राजा बोला कि हटाओ, वर्कर को बुलाओ, वर्कमैन को बुलाओ। जब वर्कमैन को बुलाया गया तो उन लोग कह रहा है कि महाराज मेरी गलती नहीं है, इसमें जो ईंट बनाया गया था ना ब्रिक्स, वो गलत साइज के बनाया गया था, इसीलिए मेरी गलती नहीं है। तो ठीक है, राजमिस्त्री को बुलाओ, राजमिस्त्री ने जोड़ा होगा जी, मैसन को बुलाओ। तो मैसन बोला कि महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, आर्किटेक्ट की गलती है जिसने इस डिजाइन को तैयार किया। बोला कि आर्किटेक्ट को बुलाओ, उसको फांसी देंगे।
आर्किटेक्ट बोला कि महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती है आपका राजा, गलती है क्यों, क्योंकि आप ही के पास नहीं नक्शा दिखाया था, तो थोड़ा बहुत आप चेंज करवाए थे, थोड़ा बहुत परिवर्तन करवाए थे, तो महाराज मेरी कैसे गलती है, हम तो बनाए रहे थे बढ़िया, आप ही ना कहे कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, तो छोटा हो गया था आपका मुकुट, गिर गया था, इसमें हमारी कैसे गलती है, हमको कैसे फांसी दे दीजिएगा। राजा हो गया बड़ा कंफ्यूज, चूंकि प्रजा को फांसी चाहिए था भाई, न्याय तो करना है। तब राजा ने कहा कि एक पूरे राज्य का सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति को बुलाओ, वाइजेस्ट मैन को बुलाओ। अब वाइजेस्ट मैन बड़ा अंधा था और चल भी नहीं सकता था, कुड नॉट सी, देख भी नहीं सकता है और ना वो चल सकता है, ऐसा था तेज दिमाग वाला व्यक्ति। जब वो आया तो आते आते वो बोलता है कि महाराज आपका मुकुट कैसे गिरा है, ये आर्क के लगने से, तो आर्क को फांसी चढ़ाई, लोग आर्क जो सीमेंट का बनाया ओकरे रस्सी लगाने लगा कि एकरे फांसी चढ़ाई, एकरे चलते ना मुकुट गिरा है। तब कोई व्यक्ति बोला कि महाराज सुनिए, जिस आर्क ने, जिस चीज ने आपके इतने पवित्र मुकुट को टच किया, तो महाराज आर्क भी पवित्र हो गया, तो उसको आप फांसी दीजिएगा, ये हो नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। तब राजा बड़ा बौखला गया कि अब क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है, प्रजा भी हल्ला करने लगे कि है महाराज फांसी नहीं देगा, बिना मतलब के नौटंकी कर रहा है। तब राजा बोला कैसा करो कि नपाओ तो हो, ये रस्सी में केकर गर्दन बढ़िया फिक्स हो रहा है, सब लोग नपाया तो नपाने के बाद लगा पता चला कि राजा ही बढ़िया फिक्स आ गया, अब राजा को ही लटका दिया गया, सब लोग बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजा को लटका दिया, राजा मर गया, प्रजा को न्याय मिल गया, सब लोग ना पाया उसमें, लेकिन महाराज का गर्दन फिक्स हुआ बढ़िया, और वह मर गया। अब समस्या यह है कि अब राजा तो मर गया, फिर अगला राजा कौन बनेगा। तब उस राज्य में नियम था कि जो भी व्यक्ति सिटी गेट से पहली बार गुजरेगा वही नए राजा का चुनाव करेगा। अब दुर्भाग्य से उस सिटी गेट से इडियट गुजर गया, पागल व्यक्ति गुजर गया, और जब पागल से पूछा अगला राजा कौन बनेगा, तो बड़ी खरबूजा पसंद करता था, वो तरबूज पसंद करता था, वो कह दिया कि महाराज तरबूज राजा बनेगा। अब एक तरबूज को लाया गया और राज सिंहासन पर मुकुट पहना के खरबूजा को बैठा दिया गया, खरबूजा राजा बन गया। जब लोग वहां के लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोग तरबूज के तरबूज वाले राजा से खुश हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खुश हैं जी। पहला खुशी तो यह है कि हम लोग का नियम के अनुसार राजा बना है, कोई उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बिना नियम के हम लोग काम नहीं करते हैं, जो नियम है उसी के अनुसार राजा बना है। और हम लोग खुश इस बात से भी हैं कि हम लोग बड़ी खुश रहते हैं, एकदम शांतिपूर्वक जो मन वो करते हैं, राजा कोई कुछ नहीं बोलते हैं। कि जो तरबूज वाले राजा है ना, कुछ कर देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शांतिपूर्वक रखते हैं, शोर शराबा करते हैं, महाराज कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप बैठल रहते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं अपने इस राज्य से और शांतिपूर्वक हम लोग रहते हैं, किसी से कोई बैर नहीं है। और इस तरह से कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अंत में किसको लटकाया गया, राजा को, ठीक ना। किसने लिखा इस कहानी को, विक्रम सेठ को। तो आर्किटेक्ट ने क्या कहा राजा से, आज आर्किटेक्ट ने यही कहा कि महाराज मेरी गलती नहीं है, तोरे गलती है वह, क्योंकि इसमें आप ही इसमें बहुत सारा सुधार करवाए थे। अंत में फांसी कौन चढ़ गया, राजा। अंत में राजा कौन बना, तो तरबूज, क्योंकि इडियट एक पागल आदमी बोल दिया कि तरबूज राजा बनेगा, क्योंकि राजा का चुनाव करने का नियम यही था कि जो सिटी गेट यानी शाही दरबार से पहली बार गुजरेगा वही राजा का चुनाव करेगा, और दुर्भाग्य से वो पागल गुजर गया उस राजा, उस सिटी गेट से। पागल को धर के लोग पूछा कौन राजा बनेगा, और वो बड़ी खरबूजा पसंद करता था, बोल दिया तरबूज राजा बनेगा, और तरबूज राजा बन गया। वहां के लोग खुश इसलिए हैं कि कुछ करते हैं महाराज, कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठल रहते हैं। इस तरह से हम लोग दोनों ये बुक की समरी को समाप्त किए। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, चार बार इस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। एक काम हम और करेंगे आपके लिए, ठीक है। हम थोड़ा सा लेटर का MCQ आपको बता देते हैं, ठीक ना। देखिए लेटर का MCQ क्या है। सबसे पहले हम लोग
इनफॉर्मल लेटर पर बात करेंगे। लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर अपने मम्मी पापा, दीदी जीजा, साली साढ़ू, नज़दीकी रिश्तेदार, पर्सनल लेटर, ये सब इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। फॉर्मल लेटर हम लोग किसी अधिकारी के पास लिखते हैं, जैसे अधिकारी जैसे हो गया कोई प्रिंसिपल, पुलिस अधिकारी, किसी ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, इसीलिए इसको कार्यालय संबंधी पत्र भी कहा जाता है या फिर ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है, बिजनेस लेटर हो गया, ये सब फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। इनफॉर्मल लेटर का आप लोग को दिखा देते हैं कि क्या इसका होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, फॉर्मेट यही होता है कि सबसे पहले अपना पता, सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, अपना पता सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी प्राप्त करने वाले का पता, उसके बाद सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद, माफ कीजिएगा इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वो तो हम फॉर्मल लेटर की बात करने लगे, इट वॉज माई मिस्टेक, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होता है। अब आप पूछेंगे सर इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि अगर आप माँ के पास पत्र लिख रहे हैं और माँ को आप लिखेंगे सब्जेक्ट, पैसा मांगने के संबंध में सब्जेक्ट, तुम्हारे हाल चाल पूछने के संबंध में सब्जेक्ट, एक शर्ट लिवाने के संबंध में, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड फील होगा, इसीलिए सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है, कि ये कि लिख दिए थे इसी बहाने बता तो दिए। उसके बाद डियर फादर, मदर, या जो भी रिलेशन में आपके आते हैं उसको लिखना है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को लिखना शुरू कर देना है। देखिए जनरली तीन पैराग्राफ में हम लोग को लेटर लिखना चाहिए, आप दो पैराग्राफ में भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। सबसे शुरू में आप अभिवादन, ग्रीटिंग्स करेंगे, बीच में, बाद में अपना जो भी आपका मेन उद्देश्य है पत्र लिखने का वो लिखेंगे, अंत में हम योर्स लविंग, अगर आप बेटा हैं सन लिखिए, बेटी हैं तो डॉक्टर लिखिए, दोस्त फ्रेंड हैं तो दोस्त लिखिए, इत्यादि लिखिए। और उसके बाद अपना नाम शॉर्ट में लिखना है, नेम इन शॉर्ट, जैसे छोटा पूरा नाम लिखना है, जैसे मोहन किसी का नाम है, मोहन कुमार विश्वकर्मा नहीं लिखना है, राहुल कुमार मेहता नहीं लिखना है, रवि कुमार सिंह नहीं लिखना है। आपके पापा, आपके मम्मी, आपके दोस्त को पता है कि आप सिंह जी हैं, आप विश्वकर्मे जी हैं, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए नेम इन शॉर्ट होता है। इसको जो होता है ना, ये जो होता है ये पोर्शन, डियर फादर या मदर, इसको हम लोग सैल्यूटेशन कहते हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि निम्नलिखित में से इनफॉर्मल लेटर का सैल्यूटेशन कौन है, तो डियर लगाया जाता है जनरली, ठीक है, लेकिन फॉर्मल लेटर में डियर वगैरह कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट रेस्पेक्टेड सर या सिर्फ सर या मैडम होता है, लेकिन आप मदर या फादर के साथ सर या मैडम नहीं ना प्रयोग कर सकते, अच्छा नहीं लगेगा। आपके एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के नीचे क्या होता है, डेट, रिसीवर्स एड्रेस के ऊपर क्या होता है, डेट, डेट के नीचे क्या लिखा जाता है, रिसीवर्स एड्रेस। डेट लिखने का निम्नलिखित में सही तरीका क्या है, दो तरीके से डेट लिखा जाता है, जैसे मान लो कि आज 19 तारीख है तो 19th, February 2024, 24, ये एक तरीका है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और मॉडर्न है फरवरी 19 कॉमा देना है 2024। ये दो तरीका है, इसी दो तरीके में से किसी एक में टिक मारना है आपको। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं ना कि 19/02/2024, ये सब गलत तरीका है, 19/02/2024 ये सब गलत तरीका है, ये सब तरीका सही नहीं है, ये दोनों तरीका सही है, इसी में आपको टिक मारना है। अगर आप बात करेंगे
फॉर्मल लेटर की, तो इसमें भी सेंडर्स एड्रेस, पहले होता है, फिर डेट होता है, फिर रिसीवर्स एड्रेस होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद सॉरी या मैडम होता है। इसमें आप रेस्पेक्टेड सॉरी या मैडम भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप जान रहे हैं कि जो व्यक्ति के पास हम पत्र भेज रहे हैं वो लड़का है या लड़की, या स्त्री है पुरुष है, मैंने अगर स्त्री है तो मैडम लिखेंगे, पुरुष है तो सर लिखेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि सर है कि मैडम है तो दोनों लिखना है। मतलब कि आप उनको कह रहे हैं कि अपने में आप जो भी होंगे मिला लीजिएगा, सर होंगे तो सर समझ लीजिएगा, मैडम है तो मैडम समझ लीजिएगा। और उसके बाद तीन पैराग्राफ में हमें पत्र लिखने का कोशिश करना चाहिए, थ्री पैराग्राफ में। पहला में आप इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, दूसरा में मेन जो आप बात करना चाहते हैं डीप, और अंत में आप चाहते क्या है वो बात होता है। और अंत में योर्स लविंग वो भी कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट होता है योर्स फैथफुली ट्रूली सिंसरली, योर्स फैथफुली योर्स ट्रूली योर्स सिंसरली होता है। और नीचे पूरा नाम लिखना पड़ता है, जैसे सिग्नेचर पहले पूरा करना होगा, जैसे सोनू कुमार मान लो ये है सिग्नेचर हो गया, तो यहाँ लिखना होगा SONUKUMAR, ताकि रिसीवर को पता चले कि जो ये है सोनू कुमार ही साइन किया है। ठीक है, एक बार फिर से, सबसे पहले अपना पता, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले का पता, फिर सब्जेक्ट, फिर सर या मैडम या डियर सर या मैडम, सैल्यूटेशन देखो ये है फॉर्मल लेटर का सैल्यूटेशन ही है। फॉर्मल लेटर पूछेगा निम्नलिखित में से फॉर्मल लेटर का सैल्यूटेशन कौन है, तो डियर सर या सॉरी सिर्फ सर या मैडम या रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखते हैं। योर्स फैथफुली योर्स सिंसरली योर्स ट्रूली, इसी से हम लोग को अंत करना है लेटर, साइन करना है और नीचे क्या साइन किए वो लिखना है। समझा, इसका ख्याल रखिए आप लोग। जब हम लोग लेटर की बात करते हैं दोस्तों, सॉरी नोटिस की जब बात करते हैं, तो नोटिस में हम लोग को याद रखना चाहिए SNDH, ये फॉर्मूला आपको नोटिस में याद रखना चाहिए। नोटिस जब भी हम लिखते हैं तो SNDH SND याद रखना। एस मतलब सबसे पहले हम लोग को नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज सबसे पहले, एस मतलब स्कूल या कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट, अपने पहले स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है। एन मतलब नोटिस, उसके बाद नोटिस वर्ड लिखना है, उसके बाद डी मतलब डेट लिखना है, एच मतलब फिर हेडिंग, ठीक है, एस मतलब फिर 50 वर्ड में यहां लिख देना, हेडिंग के बाद 50 वर्ड में नोटिस लिखना है, फिर एस मतलब सिग्नेचर, ठीक है, एन मतलब नेम, डी मतलब डेजिग्नेशन, मतलब कि प्रिंसिपल है तो कहाँ के प्रिंसिपल है, जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज, द प्रिंसिपल जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज, इस तरह से। सिग्नेचर के नीचे क्या नाम, आप सिग्नेचर क्या के उसके नीचे नाम लिखना है, और उसके बाद कहाँ के हैं कौन है अभी बात लिखना है। SNDH SND, स्कूल नेम, नोटिस, डेट, हेडलाइन, सिग्नेचर करना है, फुल नाम लिखना, और फिर डेजिग्नेशन यानी कि आप प्रिंसिपल हैं कि सेक्रेटरी हैं कि क्या हैं कहाँ के हैं, ये सब डेजिग्नेशन में आता है। समझा, तो बोला याद रखना। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम ग्रामर का एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को आप एक बार नहीं, कम से कम 3 बार 4 बार देखिए, एग्जाम तक देखिए, ठीक है। हम जो भी बात इसमें बताए हैं, हम आपको इसलिए नहीं बताए हैं कि पूरा आपको स्टोरी याद हो जाए या सब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लें, हम आप एग्जाम में आप कम समय में पास कैसे हो जाए इस आधार पर हम इस वीडियो को बनाए हैं। पासिंग मार्क्स आपका कम से कम आ जाए, आप ठीक से पास हो जाएं, और 11th क्लास में वही आपको चाहिए अभी फिलहाल,
अभी के सरकमस्टांस में बात किया जाए तो। ठीक है, तो मैं अभी थंबनेल को सुधारता हूँ, थंबनेल थोड़ा गड़बड़ हो गया है जो पोस्टर हम लगाए हैं। बाकी हम आपको बहुत मिस करते हैं और आप मेहनत कीजिए, ठीक है, और यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ते रहिए और भी कोशिश कीजिए चीज़ों को हमारे साथ शेयर कीजिए कि सर इस पर हम लोग को वीडियो चाहिए, हम लोग को बताइए, हम बताएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, थैंक यू सो मच, हैव अ चॉकलेटी नाइट, बाय बाय।